बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 48, लेक्चर 48, हम इन्वेंट्री कर रहे हैं। कल मैंने आपको परपेचुअल सिस्टम सिखाया था, ठीक है। परपेचुअल सिस्टम से बिजनेस ट्रांजैक्शन ली, स्टोर्स लेजर कार्ड बनाया, उसके बाद मैंने आपको इन्वेंट्री अकाउंट सिखाया, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट सिखाया, उसके बाद हमने बाकी लेजर्स बनाए, ट्रायल बैलेंस कंक्लूड की, और उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई और बैलेंस शीट बनाई। आज हेडिंग बनाए पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम, कौन सा सिस्टम? पीरियोडिक सिस्टम लिखिए। अंडर दिस सिस्टम Under this system, business will not record every movement of inventory. Business will not record every movement of inventory and there will be no stores ledger card and there will be no stores ledger card under periodic system. क्या नहीं होगा? कहाँ नहीं होगा? सो नो इन्वेंट्री लेजर, सो नो इन्वेंट्री लेजर, नो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। रादर परचेज अकाउंट, rather purchase account and purchase return account will be prepared. लिख लिया भाई? In periodic system, under periodic system, physical stock will be counted at year end. Physical stock will be counted at year end, known as closing stock. बोले इसका मतलब साल के आखिरी दिन हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे और उसे क्या कहेंगे? फिजिकल स्टॉक। क्या कहेंगे? This stock quantity will be multiplied by the cost per unit
एंड द रिजल्ट विल बी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एंड द रिजल्ट विल बी बोलिए क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एज दिस स्टॉक विल बिकम अवेलेबल विल अवेलेबल कर लें बिकम काट दें एज दिस स्टॉक विल बी अवेलेबल आफ्टर ट्रायल बैलेंस प्रेपरेशन सो इट विल अपीयर सो इट विल अपीयर आउटसाइड द ट्रायल आउटसाइड द ट्रायल कुछ याद आया वो जो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा होता था क्लोजिंग स्टॉक उसी जमाने में वापस जाने लगा उसी जमाने में वापस जाने लगा फर्क ये होता था कि शुरू की क्लासेस में ट्रायल बैलेंस के बाहर जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती थी मैंने उस पर कोई क्वेश्चन रेज करने से मना कर दिया था आज इंशाल्लाह हम उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे मेरे अल्लाह ने चाहता ठीक है अब आए जरा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 राइज बुक इन्वेंट्री चैप्टर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 शुजात लिमिटेड यूजेस द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ टूथपेस्ट एंड डेटा परटेनिंग टू इट्स परचेजेस एंड सेल्स ड्यूरिंग फरवरी 2012 आर शोन बिलो ओपनिंग स्टॉक कितना है रेट क्या है कितनी परचेजेस की 4, 18 और 27 तुम्हें याद हो लेक्चर नंबर 47 शाजू लेक्चर नंबर 47 में सेम डेटा था उमर लिमिटेड के नाम से आज किसके नाम से है ओपनिंग स्टॉक भी यही था रेट भी यही था परचेजेस भी यही थी रेट भी यही था सेलिंग प्राइस भी 60 थी और जाकर सॉल्यूशन देखें क्लोजिंग स्टॉक भी 8 यूनिट्स था फर्क क्या है प्रीवियस लेक्चर में परपेचुअल सिस्टम ने स्टोर्स लेजर कार्ड से बताया कि 8 यूनिट्स स्टॉक में हैं और यहां ये 8 यूनिट्स तुम्हें फिजिकल काउंट से पता चले किससे पता चले फिजिकल काउंट से अब दो फॉर्मूलाज है एक है फाइफो और एक है एफको दो सिस्टम है परपेचुअल पीरियोडिक कल परपेचुअल सिस्टम था दोनों फार्मूले यूज किए आज पीरियोडिक सिस्टम है कितने फार्मूले यूज करूंगा दोनों यूज करूंगा क्या कहता है प्रिपेयर लेजर कार्ड ऊपर क्या है पीरियोडिक सिस्टम क्या जवाब दूंगा भाईजान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पीरियोडिक सिस्टम में लेजर कार्ड प्रिपेयर नहीं होता पीरियोडिक सिस्टम में लेजर कार्ड प्रिपेयर नहीं होता यहां तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फिजिकल काउंट से मिलता है हमें ओके लिखें जी फर्स्ट पार्ट का आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 इन पीरियोडिक सिस्टम नो लेजर कार्ड्स आर प्रिपेयर्ड In periodic system, no ledger cards are prepared. क्या नहीं होगा ledger card prepare नहीं होंगे rather purchase account and purchase return account आर प्रिपेयर्ड
एंड इफ सर अंसारी विल प्रिपेयर एंड इफ सर अंसारी विल प्रिपेयर लेजर कार्ड this move will only be to make the students happy. If Sir Ansari will prepare ledger card, I am serious. बच्चियों, मेरे तो आपका मजाक नहीं बनता किसी भी तरीके से. मैं अपने से बड़ों से मजाक नहीं करता. If Sir Ansari will prepare ledger card, this will only be to make the students happy. बेटा, जिनकी शक्लें ही सैड वाली हो उन्हें आप कभी भी खुश नहीं कर सकते. आज भाई फॉर्म में हैं, लगता है नाश्ता कहीं से मारा है इन्होंने. भाई जान, आलू चने किधर? तुमने खिलाया? क्या नाश्ता किया आज? नहीं किया. अच्छी बात है, नहीं किया. बेटा, खाली पेट शेर ज्यादा खतरनाक होता है. क्या लिखा है? टू मेक द स्टूडेंट्स हैप्पी. सुने भाई, सम टाइम आपको मेरे सॉल्यूशन में एक कार्ड बना हुआ नजर आएगा. असल में वो कार्ड बनता नहीं है. अपनी कैलकुलेशन लाने के लिए हम उस फॉर्मेट का सहारा ले लेते हैं. अपनी कैलकुलेशन करने के लिए हम उस फॉर्मेट का सहारा ले लेते हैं. कैसे लेंगे अभी सिखाऊंगा. मुझे बताएं, इस डेटे से सबसे पहले क्या बनाओगे? सबसे पहले बनेगा ओपनिंग स्टॉक का अकाउंट. कैसे बना करता था? यही बीडी होगा और यही ओपनिंग स्टॉक का सीडी होगा. क्योंकि पूरे साल इसमें कोई मूवमेंट होगी नहीं. क्यों? क्योंकि कौन सा सिस्टम है? पीरियोडिक का. और शुरू की क्लासेस में जब भी ओपनिंग स्टॉक बनाते थे उसे ही बीडी लिखते थे और उसे ही सीडी लिखते थे. तैयार हो? पहला फॉर्मेट बनाए, ओपनिंग स्टॉक. लेजर बनाए, ओपनिंग स्टॉक. थोड़ा सा जल्दी काम करें बेटा, आज काम काफी है. और आपको बताएं, जब कभी हम क्लास में थोड़ा सा स्टार्ट लें, दिस मीन्स वी विल कंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे इंशाल्लाह. तैयार है ना? शाबाश, हिम्मत करनी है. क्या लिखूंगा भाई? क्या लिखूंगा? ओपनिंग स्टॉक. आदिल, चाय प्रिंसिपल रूम में ले जाए. कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक. और जो बीडी होगा वही सीडी बन जाएगा. इसके बाद इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा आपके साथ परचेज अकाउंट. बनाना आता है? Yes. हमारे क्वेश्चन में कोई परचेज रिटर्न नहीं है, इसलिए वो नहीं बनाएंगे. क्या नहीं है? परचेज रिटर्न नहीं है, वो नहीं बनाएंगे. कल हमने अज्यूम किया था कि जो परचेजेस की हैं वो क्रेडिट पर हैं, तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे? क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे. फिर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? सेल्स अकाउंट. फिर कौन सा अकाउंट बनाएंगे? हम इंशाल्लाह डेटर अकाउंट बनाएंगे. पूरे सिलेबस में आम तौर पे जो बच्चों को टॉपिक तंग करता है वो इन्वेंट्री होता है. इसलिए डिटेल में करवा रहा हूं कि दोबारा इंशाल्लाह कभी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए. डेटर अकाउंट के बाद परचेज हो गई, क्रेडिटर हो गए, सेल्स हो गई, डेटर हो गए, ओपनिंग स्टॉक हो गया. एक्सपेंस बताएं जरा क्वेश्चन में कौन सा है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस. जी ठीक है, ठीक है. इसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस. अगर आप नाराज ना हो तो इधर बना दूं ये छोटे से दो? देख लें, नाराज हो तो बता दें. बता दें नाराज हो तो. अच्छा, नजर नहीं आएगा तो मेरा कसूर थोड़ी है मेरे बच्चों.
बेटा कल वाला ले चलिए, टेंशन ना ले मेरे बच्चे, टेंशन ही लेनी है आपने। आप भी टेंशन लेंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। यूटिलिटी एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस? यूटिलिटी एक्सपेंस। बेटा कल वाले ही हैं इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ। यूटिलिटी एक्सपेंस अच्छी चीज़ होगी, आपके सामने बोर्ड पे बनाऊँगा। ये ऐसी चीज़ें इनके सामने बनाने दें जी भाई। अब देखो ना, इन बच्चों की रिपेयर करनी है मैंने, रिपेयर एक्सपेंस। अगर तुम्हें याद हो कल एक और अकाउंट बनाया था जी, कैश अकाउंट भी बनाया था और कैपिटल अकाउंट भी बनाया था। ये नहीं, ये बना दिया मैंने कैश अकाउंट, और लास्ट में बना दूंगा कैपिटल अकाउंट। जी ओके। कितनी देर में बनाओगे? 5 मिनट में। 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। सारे लेजर्स बनाए और इन्हें क्लोज करें, कल वाला क्वेश्चन ही है। जी बच्चों, जी बच्चों, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक पे आए, बैलेंस बीडी बताएं जी, और यही बैलेंस बीडी क्या बन जाएगा, कितने पे? 140। ओके हो गया जी, नहीं डेट लिखने जरूरी नहीं। आप सुने बेटा, बातें नहीं पूछो, परचेज का ओपनिंग बैलेंस बताएं। गदो परचेज का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। ओ मेरे गदो, प्लीज समझो, पुरानी बातें जो सिखा चुका हूं उन्हें भूलना नहीं है। पहली परचेज कितनी क्वांटिटी की? तो परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दें। 32 × 5 कितना बना? 160। फिर परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, 340। फिर परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, कितना? और कुछ याद आया? पक्की बात? शाबाश। ऊंची आवाज में नहीं बोलना, आपकी मेहरबानी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आराम फरमा रहे हैं। टोटल करें 1300। बातें नहीं, एक्सक्यूज मी, ओके, कोई टेंशन? कोई क्रेडिटर का बीडी है? इसका तो बीडी होता ही नहीं, शुक्र है, शुक्र है भाईजान, इसका बीडी नहीं होता, इसका बीडी होता है, हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो बैलेंस बीडी 0। अब देखें परचेज डेबिट क्रेडिटर कितने से? 160। परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट कितने से? 340। परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट कितने से? 800। कर दें भाई जमा 1300। बैलेंस सीडी बताएं। मेरी चाय रास्ते में कहाँ रह गई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना कि ये पहले डेस्क पे चाय बनाने वाले बैठे हुए, असल में ये डिलीवरी बॉयज हैं, डिलीवर द चाय। डिलीवरी बॉय ठीक हो? चलो जी, आप सुने भाई, परचेज रिकॉर्ड कर ली, ओपनिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि अज्यूम किया है ये क्रेडिट परचेजेस हैं, तो क्रेडिटर भी रिकॉर्ड हो गया। ठीक है भाई, अब एक फॉर्मूला लिखवाने लगा, इसे घोल कर पी जाना, ठीक है, और तावीज भी पी जाना, पानी तो आपके पास है काफी। चलें भाई, पहली आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक, अभी लिखने देना, इसमें ऐड करूंगा मैं, क्लास से निकाल दूंगा एक आधे बच्चे को इस ग्रुप में से, माइंड में रखिएगा। और अल्लाह का इतना फजल है, मुझे पता है किसकी आवाज होती है, इतना फजल है अल्लाह का मेरे पे।
ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस, इसे कहते हैं बेटा अवेलेबल फॉर सेल। क्या कहते हैं? अवेलेबल फॉर सेल। और इनमें से जो चीजें सेल हो जाती हैं, बाकी बचता है क्लोजिंग स्टॉक। देखो ब्रेन इसे कैच कर रहा है, भाई ब्रेन कैच कर रहा है। और ये यूनिट्स भी होंगे, किस में होंगे? यूनिट्स में। अब बताएं ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स, पांच। पहली परचेज कितने यूनिट्स की है? पांच। दूसरी, तीसरी, जमा करें 35। तो अवेलेबल फॉर सेल कितने हुए? 40। हो गए 40। जब फिजिकल काउंट किया तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स है? 8। तो ये लिख दूं 8। अब बताओ क्या माइनस हुआ होगा कि ये 8 आया? 32। तो कितने यूनिट सेल हुए? 32। एक की प्राइस ये 50 है जहाज, 60। 32 × 60 1920। ना तुम्हें इतने टेबल याद होंगे और ना तुम कैलकुलेटर छोड़ोगे। ये यूनिट सेल हुए, इस प्राइस पर सेल हुए, तो सेल्स कितनी बनी? 1920। कल भी अज्यूम किया था, आज भी अज्यूम कर रहा हूं कि ये क्रेडिट सेल्स हैं। अगर क्रेडिट सेल्स हैं तो डेटर डेबिट होगा सेल्स, और इधर सेल्स क्रेडिट होंगी, डेटर डेबिट होगा। 32 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना बना? बीपी तेरा आज ना सुबह से ही बीपी लो है, प्लीज आपने नहीं बोलना, ठीक है? ओके भाई, ओके। अब कल से क्या तब्दीली आई आज के सॉल्यूशन में? सर अंसारी वहां हर डेट की सेल गिवन थी, यहां सेल लमसम है, फाइनल है, और हमने बैलेंसिंग फिगर के तौर पर कैलकुलेट की। कैसे कैलकुलेट की? बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। छुट्टी वाले दिन तो घर वाले चाय भी नहीं देते, वो कहते हैं जिन्हें पढ़ा रहे उन्हीं से बनवा। बेटा आपकी तो हालत ही ऐसी है ना, मेरी ऐसी हालत नहीं है। चलो भाई अब डेटर को क्या करूंगा? क्लोज करूंगा? नहीं, अभी तो इससे रिसीव भी होगा, क्रेडिटर में भी आएगा। भाई जरा रुक जाए, बाकी ट्रांजैक्शन लिखना भूल गया था मैं। आए जी, ये ऑल परचेजेस एंड सेल्स आर ऑन पेमेंट रिसीव 15-20, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 1200। तो डेटर से कितने पैसे आए? 1500। एंट्री बताएं, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 1520। ये 1920 आ गया, ये भी 1920 आ गया। बैलेंस सीडी बताएं कितना आया? 400। कल भी 400 था, आज आ जाए। अब इसे क्लोज करेंगे, यहां क्या लिखें? बैलेंस सीडी कितना? 1920। डेटर और सेल्स बन गया। यहां कोई पॉइंट मिसिंग हो? जी क्रेडिटर कितनी पेमेंट की है? क्रेडिटर डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ कितने से? ये जमा करें जी 1300। इधर भी 1300। बैलेंस सीडी 100 रुपए। ओके, बाकी लेजर्स में मेरे ख्याल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जरा जल्दी से बनाएं। चलो भाई, हेलो भाई, एक्सक्यूज मी,
एक्सक्यूज मी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बताओ कितना डेबिट करूं? 40। और क्रेडिट क्या करूं? बाद में ये क्या बन जाएगा? बैलेंस कितना? 40। टोटल करें, ओके हो गया। अब आओ मेरे बच्चों, यूटिलिटी एक्सपेंस कितने से डेबिट करूं? 70। क्रेडिट किसे करूं? यहां क्या लिखूं? बैलेंस कितना? 70। बेटा बातें ना करें, ओके। रिपेयर एक्सपेंस कितने से डेबिट? 90। और कैश क्या होगा? यहां क्या होगा? बैलेंस सीडी कितना? 90। यहां पर भी 90। कोई टेंशन? अब आए कैपिटल का बीडी क्वेश्चन में है, ढूंढे कितना है? 200। आखिरी दिन 5 बजे यही बैलेंस सीडी बन जाएगा कितना? 240। कैश का बीडी है कितना जी? 100। डेटर से कितनी आए? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 1520। क्रेडिटर को कितने गए? 1200। कैश को क्रेडिट कर दो 1200। एंटरटेनमेंट के कितने दिए? यूटिलिटी के कितने दिए जी? 70। और तुम्हारी रिपेयर कितने में हुई? 90। तुम्हारी रिपेयर 90 में हुई। चलो भाई टोटल करो, 1620। इधर भी 1620। बैलेंस सीडी, कोई टेंशन? पक्का? सारे लेजर्स पूरे हो गए? लेजर क्लोज हो गए? अब क्या बनाओगे? जल्दी से बना दो, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। ट्रायल बैलेंस बना दो 5 मिनट में। बेटा कल वाला सॉल्यूशन है, अब पूरी क्लास को ना कंफ्यूज करें ना। आपके अलावा बाकी बच्चियां भी बैठी हुई हैं, वो कॉर्नर में ज्यादा बैठी हुई है, ऐसी परेशान कर रही हैं अपने आप को भी और हमें भी। सिर्फ अगर स्क्रीन अपने सामने रखना चाहते हैं तो 12 लाख रुपए है फीस। मैं आपके सामने बैठ जाऊंगा, सिर्फ आपको लिखवा के दूंगा। दे दीजिए 12 लाख रुपए, मैं आपको पढ़ा देता हूँ अकेले होम ट्यूशन, मसला ही कोई नहीं है। चलो भाई जल्दी से, तुम दोनों चुप नहीं होगी। मैंने ना जल्दी करो, ट्रायल बनाओ। शाबाश। अच्छा सुनो, जब ट्रायल बना लोगे उसके बाद क्या चाहिए होगा? उसके बाद ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, वहां तुम्हें खादिम की जरूरत पड़ेगी। पहले ट्रायल बनाओ, उसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा जी। ओपनिंग स्टॉक तो ट्रायल में ही आएगा। मजाक कर रहा था पागल।
बिजनेस का नाम क्या है? शुजात लिमिटेड। क्या बनानी है? ट्रायल बैलेंस। एज ऑन 28/2/2012। और खबरनामा चुप कर दे भाई, फिर दो सवान की तरह करती हो तो। चलें भाई। बबलू, पहला लेजर कौन सा है? यूटिलिटी एक्सपेंस। उस सीक्वेंस से शुरू कर रहा हूं बेटा, बातें नहीं। कितना यूटिलिटी एक्सपेंस? 70 डेबिट। फिर रिपेयर एक्सपेंस कितना है? 90 डेबिट। फिर कैश अंकल, कितने हैं कैश अंकल? 220। बड़े हैं स्टूडेंट लाइफ में भाई, चार पांच जगह से चने खाए जा सकते हैं 220 रुपए में। चलो आ गया ओपनिंग स्टॉक। बासित, आपका घर मुझे पता चल चुका है, बेहतर यही है कि आप खामोश रहें, वरना शाम में अब्बा जी से जब मुलाकात होगी तो माशाल्लाह आवाजें आएंगी बस जी। ओपनिंग स्टॉक डेबिट कितना? 140। इस पे इंपॉर्टेंट लिखो, अक्सर बच्चे ओपनिंग स्टॉक को गलत लिखाते हैं ट्रायल में। पीरियोडिक की ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक आएगा, परपेचुअल की ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ओके, क्या बोला? पीरियोडिक की ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक आएगा, परपेचुअल की ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग के बाद परचेजेस कितना है भाई? परचेजेस 1300। अब एक और जुमला सुनो, पीरियोडिक की ट्रायल में परचेजेस आएगा, परपेचुअल की ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। दो जुमले बोल रहा हूं, पीरियोडिक की ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक आएगा, परपेचुअल की ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। पीरियोडिक की ट्रायल में परचेजेस आएंगी, परपेचुअल की ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। ओके, चलो मेरे बच्चों, परचेजेस के बाद क्रेडिटर, डेबिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग जी भाई। इसके बाद कैपिटल अंकल, डेबिट क्रेडिट कितना? 240। सेल्स बोले 1920 क्रेडिट। डेटर बोले 400 डेबिट। एंटरटेनमेंट हो गया? कहाँ हो गया बीबी, लेके कुछ आई नहीं आप, एंटरटेनमेंट कैसे होगा? लेकर आए दो चार स्वीट डिशेस जी। 40 रुपए में तो बीबी आजकल प्राइज नहीं देते, वो दे देते हैं 40 के। चलो लाओगे तो पता चलेगा। 2200, दूसरी तरफ देखो 2200। लो मेरे दोस्तों, कौन से सिस्टम से ट्रायल बनाई? पीरियोडिक से। अब इसके नीचे क्या लिखना है? क्लोजिंग स्टॉक। पेंसिल डेस्क पे रख दो, पेंसिल्स डेस्क पे रख दो। मैडम बुजुर्गो, पेंसिल साइड पे रख दे। सिस्टम कौन सा है? पीरियोडिक। और फार्मूले? एक फाइपो और एक एफको। ये सब रुपी में है भाई? है। जब शुरू की क्लासेस थी तो क्लोजिंग स्टॉक रुपी में होता था या यूनिट्स में? तो आज भी रुपी में होगा। अगर मैं यहां पर 8 यूनिट्स लिख दूं गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो ऊपर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में रुपी चाहिए। इसका मतलब 8 यूनिट्स की वैल्यू बनानी पड़ेगी, 8 यूनिट्स की
वैल्यू बनानी पड़ेगी कि 8 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है। और फार्मूले हैं दो, एक फाइफो और एक एफको, मेरे साथ रहना। फाइफो क्या कहता है, जो पहले आया वो पहले कस्टमर को जाएगा। ओके, ये सबसे पहले था, तो जो आपकी यूनिट सेल हुई वो कितनी है भाई, वो कितनी है 32। तो पहले कौन सी सेल होंगी, ये 5, 10, 20, लास्ट में इसमें से सेल होंगी। ओके, तो कह सकता हूं फाइफो में जब कभी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो लेटेस्ट परचेज से बिलोंग करेगा। व्हाट डू मीन बाय लेटेस्ट परचेज, जो सबसे लास्ट में परचेज हुई। पक्का? Yes, लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। बबलू जी लिखो, बबलू जी क्या लिखा, बबलू जी फाइफो मेथड यूज करते हुए, बबलू जी फाइफो मेथड यूज करते हुए क्लोजिंग स्टॉक लेटेस्ट परचेजेस से बिलोंग करेगा। हमारे जो नए कैमरामैन भाई यहां पर मौजूद है ना, इन्होंने ये वाला मेरा अंदाज जो है ना बाहर जाके नहीं बताना इम्प्लाइज को कि सर अंसारी तो ऐसे बच्चों के साथ रहते हैं, वरना इम्प्लाइज जो है वो मुझसे डरना छोड़ देंगे, फिर सारे काम खराब होंगे। ठीक है, क्लास में जो भी टीचर जैसे है वो बस उसकी पर्सनल लाइफ है अपने स्टूडेंट्स के साथ। क्या लिखा बबलू जी, फाइफो मेथड में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो लेटेस्ट परचेजेस से होता है, और हमारे इस पूरे सिनेरियो में लेटेस्ट परचेजेस 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। इनमें से क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब जरा देखो ये यूनिट्स कितने में खरीदे थे, 40 रुपए में खरीदे थे, तो फिर इस 8 किसे मल्टीप्लाई करूं, 40 को करूं, कर दो 40 को, 320 आ गया। अब ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। कह सकते हो सर अंसारी हम दोबारा पुराने जमाने में चले गए, शुरू की क्लासेस में ऐसे ही ट्रायल आया करती थी और नीचे क्या लिखा होता था, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब वो जो क्लोजिंग स्टॉक होता था, आज थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया कि वो क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया करता था। 5 बजे जब ट्रायल बन जाती है तो हम अपने छोटू को कहां फेंक देते हैं, गोडाउन में, कहां फेंक देते हैं और बाहर से लगा देते हैं ताला, और उसे कहते हैं हम जिंगर खा के आ रहे हैं, तुम क्या करके रखो, फिजिकल काउंट करके रखो, तुम्हारे लिए शामी बर्गर लाएंगे। अब जब रात को हम सारा डिनर करके गए, उसका शटर खोला तो बाहर छोटू आया, हमने कहा कितना स्टॉक काउंट किया, कहता है सर 8 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं, ये 8 यूनिट लिख लिया, छोटू को उसका बर्गर दिया और रवाना कर दिया। अब फाइफो तो नहीं पता छोटू का कि फाइफो क्या होता है, ये तो हमें पता है, हमने देखा पूरे साल का डाटा, इस 8 को मल्टीप्लाई करना है उस रेट से जो लेटेस्ट परचेज का हो, और लेटेस्ट परचेज है 40। हमने इस 40 से इसको मल्टीप्लाई किया, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू आ गई। क्लियर? यहां तक कोई और पॉइंट? फिर क्या बनाया करते थे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। कितनी देर लोगे, सिर्फ 5 मिनट का काम है, जल्दी से बना दें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जी बच्चो, एक्सक्यूज मी, शुजात लिमिटेड साइलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड। जी फॉर द पीरियड एंडेड 28/2/12।
सेल्स 1920। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रायल से मिलेगी, हम खुद बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहली आइटम क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 140। ऐड क्या करेंगे? परचेजेस 1300। लेस क्या करेंगे? 1120। जी भाई बताएं, 1100 लेस कर लें। अब ये 800 क्या है? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सक्यूज मी, पहली आइटम क्या है? कितना? 40। दूसरा कितना? तीसरा कितना? जी बोले 200। जी 200 लेस करें। ये क्या है? नेट प्रॉफिट। ओके हो गया। अब क्या बनाएंगे? किसके नाम से? शुजात लिमिटेड। एज ऑन 28/2 कैपिटल एंड कैपिटल कितना था? 240। एड प्रॉफिट कितना है? ड्राइंग नहीं है, छोड़ दूं? बॉक्स टोटल कर दें 800। अगर डायरेक्ट क्रेडिटर्स लिख दूं कोई मसला तो नहीं? क्योंकि जगह कम है, पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। क्लोजिंग बैलेंस बनाएं क्रेडिटर का, 100। कितना आ रहा है? 100। जमा कर देना 940। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज की साइड आई है। अब एसेट्स पे आ जाओ, नॉन करंट तो कोई नहीं है। स्टॉक कितना है? स्टॉक 320। इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। इसके बाद डेटर बताएं, 400। कैश बताएं, 200। टोटल करें 940। ओके भाई, ओके हो गया। चले मेरे दोस्तों, अब कल का सॉल्यूशन भी सामने है, फाइफो से आज का भी सामने है। तब्दीली आपको पता चल गई है। क्या है यहां पर? कल क्या था? क्या है यहां पर? कल क्या था? ओके, कोई टेंशन? ठीक है, हेडिंग बनाएं, फ्रेश पेज ले लीजिएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज। जी लेफ्ट और राइट दो पेज लेने हैं, लेफ्ट राइट दो पेज लेने हैं, साइमल्टेनियसली दो पेज लेने हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट पे हेडिंग बनाएं, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर परपेचुअल सिस्टम। अगर अभी तक कोई मुश्किल आई है तो बताएं। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर परपेचुअल सिस्टम। राइट पे जाएं, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर पीरियोडिक सिस्टम। लेफ्ट पे क्या लिखूंगा? परपेचुअल की एंट्रीज, और राइट पर पीरियोडिक सिस्टम की एंट्रीज। नोट्स ओपन करें।
बस बस पीछे पीछे बस जी। अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर बहुत सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है और ये कौन सा है? सबसे पहले परचेजेस को देखेंगे, अभी ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दें। पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, याद करें जब कल गुड्स खरीदी थी तो परपेचुअल में क्या एंट्री पास की थी? कोई टेंशन? आज क्या एंट्री पास की? कोई टेंशन? अगर रिटर्न करूंगा तो परपेचुअल में एंट्री क्या होगी, और अगर पीरियोडिक में रिटर्न करूंगा? ये वाली एंट्री से हम यूज टू हैं, ये कल हमने की है। आगे सुने, कैरिज इनवर्ड पे किया, इधर क्या एंट्री होगी? कैश या अकाउंट पेएबल क्रेडिट, और इधर क्या होगी? कैरिज इनवर्ड, डेबिट कैश। इसका मतलब यहां का कैरिज इनवर्ड इन्वेंट्री में ऐड होगा, और यहां कैरिज इनवर्ड अलहदा लेजर बनेगा, पहले भी बनाते थे। इन तीन एंट्रीज में कोई नई बात नहीं है, कल हम ये अल्लाह के फजल से करके गए थे। मेरा काम है एंट्रीज बताना, आपका काम है एंट्री रिटेन करना। एंट्री क्यों ऐसे बनी है ये हमारी डिबेट नहीं है। इस पर लिख लें, इसके बाद कौन सा चैप्टर है? एट, चैप्टर एट, रिकॉर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इन ओवरहेड रेंट यूटिलिटीज एंड सप्लायर्स। इस बॉक्स में लिख लें, चैप्टर एट में सर सिखाएंगे जब अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिखाएंगे इंशाल्लाह। पेज है 504 राइस की बुक, इस वक्त मैंने ओपन की हुई है। राइस की बुक का पेज 504, यकीन मुझे भी नहीं आता कि हम 504 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई, चले इससे आगे भी कर चुके हैं, गुड। आप सुने भाई, पीरियोडिक सिस्टम में जब सेल्स करते हैं क्रेडिट क्या एंट्री पास करते हैं? डेटर डेबिट, ओके यहां तक क्लियर। अब जरा कल वापस जाते हैं परपेचुअल में, स्टोर्स लेजर कार्ड बनाते थे, जब गुड्स जाती थी तो किस कॉलम में लिखते थे? सेकंड बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और इन जाने वाली गुड्स की एंट्री क्या होती थी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ओके। और जब इनकी सेल्स वैल्यू लिखते थे तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसका मतलब परपेचुअल में जब कस्टमर को गुड्स दी जाती हैं तो दो एंट्रीज पास होती हैं, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट अपनी कॉस्ट पर, और फिर डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट अपनी सेलिंग प्राइस पर। देखिएगा, डेटर डेबिट अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट अपनी कॉस्ट पर, क्योंकि इस सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर बनता है और उसकी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री अपनी। इसलिए तो कहा था कि कॉस्ट कार्ड जब बनाएंगे उस कार्ड में कभी सेलिंग प्राइस क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। हां, जब गुड्स कस्टमर को दे देंगे तो सेल की एंट्री पास करेंगे डेटर डेबिट। इसलिए कल परपेचुअल में सेल्स अकाउंट भी बना, डेटर अकाउंट भी बना, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट भी बना, इन्वेंट्री अकाउंट भी बना। कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट पर बने, डेटर और सेल्स अपनी सेलिंग प्राइस पर बने। ये वाली एंट्री यहां नजर नहीं आएगी, ये देखें। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इन्वेंट्री की मूवमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, इन्वेंट्री की मूवमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। क्लोजिंग स्टॉक तो आखिरी दिन जाकर फिजिकल काउंट कर रहे हैं, कहां? जबकि परपेचुअल में इन्वेंट्री की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉस्ट कार्ड में, और वहां से लेजर बन रहा है इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ओके। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, अगर क्रेडिट सेल में से कुछ गुड्स वापस आ गई तो यहां क्या एंट्री पास करूंगा? सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, ये एंट्री हमें पहले भी आती है, लेकिन यहां वो एंट्री एक नहीं होंगी, कितनी होंगी?
दो होंगी। जब गुड्स वापस आएंगी तो इन्वेंट्री को डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट। ओके और यहां क्या एंट्री पास करूंगा जी? आए जरा, आए जी जरा आगे चले। लो बस 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 बस, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट पुराना काम है, सेल रिटर्न डेबिट डेटर वही काम है सेलिंग प्राइस पर। ये एंट्री इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट अपनी, यही हमने कहा था इन्वेंट्री जाएगी तो क्रेडिट, इन्वेंट्री आएगी तो डेबिट। कस्टमर को चीजें दे दी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, कस्टमर से चीजें वापस आई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट। अब अगली बात गौर तलब है, परपेचुअल में इन्वेंट्री अकाउंट बनता है और उस इन्वेंट्री अकाउंट का जो सीडी होता है वही क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओके और बीडी और सीडी की कोई एंट्री नहीं होती, इसलिए जरा देखिएगा ये परपेचुअल सिस्टम है क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेटेड एज सीडी इन इन्वेंट्री अकाउंट और सीडी की कोई एंट्री नहीं होती। जरा वापस जाए, ओपनिंग स्टॉक परपेचुअल सिस्टम रिटर्न एज बीडी। तो परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री के बीडी और सीडी की कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि वो लेजर से आ रहे होते हैं। अब गौर से सुने, पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक लेजर से मिलता है या ट्रायल के बाहर होता है? ट्रायल के बाहर होता है। याद देखिएगा शुरू की क्लासेस में बताया ट्रायल में जो आइटम होती है उसका एक अफेक्ट होता है और आउटसाइड द जो ट्रायल होती है उसके दो अफेक्ट होते हैं। स्टोरी ये होती है, ये ट्रायल बन गई, ये डेबिट और ये क्रेडिट और आउटसाइड द ट्रायल इस तरह की आइटम है। अब इनकम स्टेटमेंट बनने लगी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ने कहा कि हमें क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत है। अकाउंटिंग बनाने वाले ये कहते हैं कि अगर कोई आइटम ट्रायल में लिखने से रह गई तो और वो एंटाइटल्ड है एलिजिबल है कि उसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में लिखा जाए तो हम उसको भी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री पास करने के बाद। और अकाउंटिंग एंट्री में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, इसका मतलब इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री होगी क्योंकि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जाने के लिए इसे क्या चाहिए? डबल एंट्री चाहिए। क्या चाहिए? डबल एंट्री। हेडिंग बनाए अकाउंटिंग एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर पीरियोडिक सिस्टम। नहीं नहीं यहीं पे रहे, यहीं पे रहे। कहां पे है? ठीक है वो पेज वैसे ही ओपन रहने दे, आगे चले। वो पेज वैसे ही ओपन रहने दे, आगे चले। लेफ्ट राइट पेज छोड़ दे। अकाउंटिंग एंट्री घर से लाएंगे वो बताएगा, देख लो घर से तो नहीं लाएंगे ना। हाँ अब सुने, ये जो पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक है इसकी अकाउंटिंग एंट्री लिखने लगा। क्या लिखने लगा? अकाउंटिंग एंट्री। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल डिस्कशन के बगैर जहन में बैठ सकते हैं? ऐसा तो नहीं लगता सर बुलाते हैं टाइम लगाते हैं बैठे रहते हैं अपना चेक बनाए जा रहे हैं राइस से और हमें तंग किए जा रहे हैं? लेके जाते हो कुछ? ये तो उज़ैफा है ना। कहाँ है उज़ैफा? कौन है? आप कह रहे थे ये पीछे वाला कोई है। चलो अकाउंटिंग एंट्री, और इस बैच के सर अंसारी को कोई पैसे नहीं मिले क्योंकि शहजादों ने और शहजादियों ने दिए ही नहीं, और हमने आपको ये सर्विस इसलिए दी क्योंकि हम पहले आपसे पैसे ले चुके थे और जो आउटसाइडर आए हुए वो कितने हैं? आउटसाइडर। इस तरह कर दें जरा, इस तरह कर दें। अब ये सारे जो हैं ये राइजियंस के, हाँ राइजियंस की वजह से फैजियाब हो रहे हैं। चलो पूरे कर लेंगे इंशाल्लाह आगे। अकाउंटिंग एंट्री, स्टॉक क्या करेंगे बेटा? स्टॉक क्या करेंगे? डेबिट। और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या करेंगे? बासिद आप बोलने का हक छीन चुके बेटा, आपका हक खत्म हो चुका। चुबुर्जी पार्क मस्जिद के करीब गोरा चिट्टा लड़का रहता है, हम पहुंच जाएंगे उस तक।
और वैसे भी जिस तरह की चीज़ है अक्सर लोग इससे वैसे ही परेशान होंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे हाँ जी वही है, ठीक है। और आज शाम चुबुर्जी में धरना होगा, किसको ढूंढने के लिए? ओ भाई किसको ढूंढने के लिए? बासित को ढूंढने के लिए। सुने भाई, अकाउंटिंग एंट्री, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट का दूसरा नाम क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ये सिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट का मतलब क्या होता है जब आपको चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? फाइनल अकाउंट। आए भाई अगले पेज पर जाए बुजुर्गो, आ जाए भाई। ये देखें पीरियोडिक में स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, इसका दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। क्या बोलोगे? ये कौन सी एंट्री है? क्लोजिंग स्टॉक की। किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। तो कल सुबह जब ये ओपनिंग बनेगा फिर इसकी एंट्री पास होगी, क्या होगी? ये रिवर्स हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। पहुंचे जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, क्लियर। एंट्री याद कौन करेगा? ये आपने करनी है, हम नहीं, मैं। बोलो मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बड़ी ईद की चीज तो इधर ही बैठी हुई है। लाओ जी लाओ, रस्सी लेके लाओ बेटा, शटाला अच्छा डालना इसे माशाल्लाह। उठाओ उठाओ इसे यहां से भाई, ये कहां यहां के बैठ गया, ये तो कुर्बानी की चीज है। देखो धुंधा चौगा है। आओ सुनो भाई, अब बताए जी हम या मैं? चलो भाई सुनो भाई, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री होगी, जबकि परपेचुअल में कोई एंट्री नहीं होगी। लेफ्ट राइट पेज है ना आपके पास। अब मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, आपने 5 टाइम्स ये एंट्रीज लिखनी है और 5 टाइम्स ये एंट्री लिखनी है। आपका टाइम अब शुरू हो रहा है। अब सुने, इन एंट्रीज को सामने रखते हुए एक पास पेपर सॉल्व करने लगा हूं। या तो वो परपेचुअल से एंट्रीज पूछेगा या वो पीरियोडिक से। पास पेपर ओपन करें, खामोश पास भाई थोड़ा ऊपर कर दे। पास पेपर नंबर 8 ओपन करें, राइस की बुक का पेज है 539। राइस बुक हमने ओपन की हुई है, पेज क्या है? 539। क्या कह रहा है? मैक्स सेविंग सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस, तो कॉस्ट कितना रखूंगा? कॉस्ट कितनी रखूंगा? 100। प्रॉफिट है 30, तो सेलिंग प्राइस बनेगी 130। क्लास में एक दिन सिखाया था, पूरी 4 एग्जांपल सिखाई थी। जिस पर प्रॉफिट कैलकुलेट हो वो हमेशा 100 होता है, वो हमेशा। तो कॉस्ट में जमा कर रहे हैं प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितनी होगी? 100। प्रॉफिट कितना है? 30, तो फिर सेलिंग प्राइस होगी 130। याद है कि बात? सिस्टम कौन सा है? तो अगर सिस्टम परपेचुअल है तो एंट्रीज भी कौन सी होंगी? टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पर्टेन टू अगस्त, प्रिपेयर बबलू टू रिकॉर्ड द, क्या रिक्वायर्ड नहीं है? ये लो तुम्हारी वजह से नरेशन खत्म किया है, ठीक है। आप कहती ना डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी सर मैं थक जाऊंगी। चलो भाई
कितनी एंट्रीज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, सब सिखा चुका हूं अल्लाह के फजल से। अब करो क्या, बुक की एंट्री सामने रखो, क्वेश्चन ये होगा, एंट्रीज वो होंगी, एक दो दफा सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह ग्रिप आ जाएगी। शुरू करें, ओपन करें भाई, सामने बुक रखें ताकि एंट्री भूलें तो आपको पता हो कि क्या एंट्री है। परपेचुअल में डेटा यहां से लेंगे, स्टार्ट करें प्लीज। जी बच्चों स्टार्ट करें, जरा जर्नल का फॉर्मेट बना लें, डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट क्रेडिट। चल बैठो, बच्चियों बातें ना करें। शुरू करें बेटा। बच्चियों बातें नहीं, मैं मना कर रहा हूँ आपको, बुरी बात होती है, बार बार नहीं खिलवाते टीचर को, अच्छे बच्चे वो होते हैं एक दफा सुनते हैं। हेडिंग बनाऊंगा जर्नल एंट्रीज, क्या बनाऊंगा? जर्नल एंट्रीज। इतना टाइम गुजर गया, अब उस बच्चे या बच्ची को नहीं पकड़ सके जो ये पेंसिल से खेलता रहता है या खेलती रहती है, इतने दिन गुजर गए। नहीं आप मुझे बता तो सकते हैं ना, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप उसे कुछ कहें, आपसे बता दें कि सर इसे प्रॉब्लम है, इसका चेकअप करवाएं, ठीक है। डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट क्रेडिट, आ जाए भाई। कैमरामैन भाई ध्यान से, आपने इस वक्त रिकॉर्डिंग करनी है। कॉस्ट कितनी होगी? 100। कॉस्ट कितनी होगी? 100। प्रॉफिट कितना होगा? 30 नहीं होगा, अच्छा शुक्रिया। सेलिंग प्राइस 130, ओके इसको जहन में रखना। परचेज्ड गुड्स ऑन कैश, सिस्टम कौन सा है बताएं जी? कैश पर गुड्स खरीदी है परपेचुअल में, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। 4, 8, 17 इन्वेंट्री डेबिट, साइलेंस, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 5, 6, 8, 000। आगे चलें। 7 अगस्त सोल्ड गुड्स ऑन, कितनी एंट्रीज होंगी? दो होंगी, एक सेलिंग प्राइस पर और एक कॉस्ट पर। ये क्या है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट? ये सेलिंग प्राइस है बेटा, क्योंकि सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस होगी। हमें इसमें से कॉस्ट निकालनी है, हमें इसमें से क्या निकालनी है? पहले मैं सेल्स की एंट्री पास कर दूं, डेट बोले 7, 8, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कितनी फिगर? 2, 4, 1, 8, 000। लो बेटा, अच्छा तो इंप्लाइड हो गया, सेल की बात करेगा साइलेंट रहेगा तो सेल्स वैल्यू, परचेज की बात करेगा साइलेंट रहेगा तो परचेज वैल्यू, ओके कोई टेंशन। अच्छा अब इसकी एक और एंट्री इसी डेट पे बननी है, वो क्या बननी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स ने डेबिट होना है, क्योंकि गुड्स चली गई इसलिए इन्वेंट्री ने क्रेडिट होना है। तैयार हो? लो जी तैयार है। ये है इसकी सेल्स वैल्यू, ये मैं क्लास में सिखा चुका। इस सेल्स वैल्यू से क्या लेकर आओगे? कॉस्ट लेकर आओगे। अब बताओ क्या गिवन है इन तीनों में से, कितनी है? 2, 4, 1, 8,
चले जाओगे कॉस्ट पे? कितनी देर में जाओगे? एक मिनट में बस। 130 बराबर है 24,18,000 के, एक बराबर है 24,18,000 डिवाइडेड बाय 130। मुझे तो पहुंचना है 100 पर, 24,18,000 डिवाइडेड बाय 130 जरब होगा 100, आंसर होगा। एक बच्चा बोले 1800। ओके, कोई टेंशन? पक्का कॉन्फिडेंट हो? चलो शाबाश, बोलो जी 1860000, 1860000, डेट होगी 7-8-17। अच्छा जी, जीरो के बाद 000 ही बोला जाएगा, 186 टेट्रा जीरो बोला जाएगा। मैडम मेरी टीचर क्लास में मौजूद हैं, इसलिए मुझे बड़ा ध्यान से पढ़ाना पड़ रहा है। चलो देखो भाई, आसानी लानी है तो पहले मुश्किल सहनी पड़ेगी, इसलिए तो कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी है। कॉन्सेप्ट पे पूरी मेहनत होगी, पास पेपर है, हैवी क्वेश्चन है, आपको तंग नहीं करेगा अगर पीछे कॉन्सेप्ट्स का फ्लो होगा। अब जितने मर्जी एमसीक्यू बनाए, अगर कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में है फिर नहीं हम डगमगाएंगे इंशाल्लाह। चलें आगे। 10 अगस्त, रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर कॉस्टिंग 87,000। अब इससे पहले गुड्स खरीदी किस पे है? कैश पर, तो फिर वापसी भी होगी कैश पर, वापसी भी होगी, यही हमने सीखा हुआ है। नकद खरीदेंगे वापस नकद करेंगे, नकद बेचेंगे वापस नकद करेंगे। अब वो शुरू की क्लासेस में जो मैं बोला करता था, जैसी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन होगी रिवर्सल भी वैसे ही होगी। देखो यहां वो वर्ड काम आ गया यार, पक्का? चलो मेरे दोस्तों, कौन सा सिस्टम है? परपेचुअल में यहां इन्वेंट्री आ रही है या जा रही है? जा रही है, तो इन्वेंट्री को क्या करूं? क्रेडिट करूं, मुझे क्या मिलेगा? कैश। कैश को क्या करूंगा? डेबिट। डेट बोलो 10-8-17। कैश डेबिट और इन्वेंट्री अंकल कितने से जी? इनको, ओ भाई ये 87 सेलिंग प्राइस है, परचेज प्राइस? शाबाश, परचेज रिटर्न के साथ परचेज प्राइस होगी और सेल्स रिटर्न के साथ सेलिंग प्राइस होगी, याद है? पक्की बात? चलो आगे चले। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब 13 अगस्त को क्रेडिट पर परचेज किया, 13-8-17 क्रेडिट पर परचेज की, इन्वेंट्री तो डेबिट ही होगी और क्रेडिटर अंकल कितने से? 23,60,000। मैं अकेला तो नहीं? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड। 13 अगस्त को पेड कैरिज इनवर्ट, लेकिन सिस्टम परपेचुअल का है और परपेचुअल कहता है कैरिज इनवर्ट इन्वेंट्री में ऐड होगा। डेट बोलें 13-8-17 जी। इन्वेंट्री क्या करूं यार, ये पेंसिल ना कर बेटा, इन्वेंट्री डेबिट, कैश कितने का? 48,000। समझ भी आ रही है? थोड़ी देर के लिए आपको ड्राइविंग सीट दे दो, संभालेंगे गाड़ी, करें 2 मिनट लें, इंसान बने ये बच्चियां, इंसान बन जाए बस, पता सब चल जाता है क्या क्या बोल रही हैं आप।
क्या लिखूंगा? डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, और फिर क्या लिखूंगा? क्रेडिट। ओके, 13-8 के बाद 20-8। गौर से सुने, कस्टमर रिटर्न गुड्स विच हैड बीन इनवाइस्ड, इनवाइस्ड का मतलब सेलिंग प्राइस। जब भी सेल्स की बात होगी, चाहे सेल्स रिटर्न की बात हो, साइलेंट होने पर सेलिंग प्राइस है, और ऊपर हमने गुड्स क्रेडिट पर सेल की थी। अब ये सेल्स रिटर्न है भाई, ये सेल्स रिटर्न है। चलो आओ पहले सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करते हैं। डेट बोले 20-8। अब देखें दो एंट्रीज पास होनी है। पहली होनी है सेल्स रिटर्न डेबिट, चुप रहे भाई, रिकॉर्डिंग चल रही होती है। सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट अपनी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कहां से आ गई? बीबी डेटर के साथ एट सेलिंग प्राइस। भाई डेटर और सेल्स रिटर्न जब होंगे सेलिंग प्राइस। अब दूसरी एंट्री भी पास होगी, चीजें वापिस आई हैं तो इन्वेंट्री डेबिट। शाबाश बासित ने सही बोला। और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट अपनी अपनी, या ये जो सेलिंग प्राइस कह रहा है, ये जहाज देखे बुक में क्या लिखा हुआ है, ये जहाज के साथ वाला हेलीकॉप्टर इसे बताए ये लिखा हुआ है, और अगर उसे नहीं पता साथ वाला बहरी जहाज बताए हुए गधे ये लिखा हुआ है। सुनो प्लीज प्लीज, मैं किसी को कुछ भी कहूं आपस में नहीं कहना बेटा, बुरी बात मेरी वो बर्दाश्त कर लेंगे, आपकी नहीं करेंगे, और मैंने लड़ाई नहीं छुड़वानी, मैंने भाग जाना है, ठीक है? आप सुनो भाई। अच्छा भाई, खुदा ना खास्ता कभी भी लड़ाई हो रही हो, बीबियों ने ना खुद चीखना नहीं शुरू कर देना। घर में अक्सर ऐसा होता है ना, होता कुछ भी नहीं है, अम्मा शाउट कर रही है, ओ बहन शाउट कर रही है, बंदा कहता क्या हो? वो देखो वो आ रही है। बंदा वैसे ही डर जाता है। इसलिए बच्चियों ने लड़ाई में शरीक नहीं होना, आपने सिर्फ फटियां पकड़ाने के लिए, डंडे पकड़ाने के लिए काम आना है। लो भाई लड़ो, शाबाश। लो भाई, सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट अपनी सेलिंग प्राइस पर। बोले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 58। बेटा प्लीज, अब जाएंगे हम इसकी कॉस्ट पर, जाएंगे यहां मिटा देंगे इसे, और यहां क्या ले आएंगे? 58500। बेटा प्लीज, मेल स्टूडेंट्स, गंदी बात होती है उस्ताद के मना करने के बावजूद बोलना, बहुत गंदी बात होती है। 45,000। कोई मुश्किल? कॉपी करो बेटा, 45,000। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुने, पेपर में इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है, डिपेंड करेगा पहली दफा सॉफ्टवेयर कैसा बना रहा है। अगर उसने ऐसे ही सॉफ्टवेयर बनाया जैसे इंट्रो के पेपर होते थे, तो आप अल्लाह का फजल है, उसके लेवल पे खड़े हैं। अगर अल्लाह ने किया उसने सॉफ्टवेयर आसान बना दिया, तो आप उसके लेवल से ऊपर खड़े हैं। हमें नहीं पता किस लेवल का सॉफ्टवेयर बनाएगा, इसलिए हम मैक्सिमम की तैयारी कर रहे हैं। मैक्सिमम पॉकेट में होगा, मैक्सिमम आया मैक्सिमम दे देंगे, एवरेज आया एवरेज दे देंगे, बिलो एवरेज आया बिलो एवरेज दे देंगे। और अगर हमने तैयारी बिलो एवरेज की और पेपर आया एवरेज या मैक्सिमम, फिर हम परेशान होंगे। उस परेशानी से बचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नो एमसीक्यू बेस्ड सिलेक्शन के, यार ये एमसीक्यू कर लो, ये कर लो, पूरा सिलेबस कर लो, जहां मर्जी से पेपर आए इंशाल्लाह। अब सुने, आजकल 23 मार्च की, आज ही 23 मार्च की सेल लगी हुई है। मोंगी ना मारो, कॉन्सेप्ट ले लो, क्या लगी हुई है? सेल लगी हुई है प्लीज। और तकरीबन हर ब्रांड पे 23%
ऑफर दी गई। क्या दी गई? ये 23% कल शाम वाली सेलिंग प्राइस पर है ये डिस्काउंट। कल शाम तक जब तक ये डिस्काउंट शुरू नहीं हुआ था, वो जो सेलिंग प्राइस है उस पर 23% है। तो कह सकता हूं डिस्काउंट किस पर दी जाती है? सेलिंग प्राइस पर। अगली बात सुने, और सेलिंग प्राइस भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस। कौन सी? नॉर्मल सेलिंग प्राइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें। अब इसको खुडे लाइन ना लगा दीजिएगा, जरा मेन पे लिखिएगा प्लीज। जितना मैं कहता हूं मेन पॉइंट है, उतना कहते हैं सारी छुपा लिया, किसी को नहीं पता चलेगा। लिख लिया? डिस्काउंट हमेशा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर दी जाती है। डिस्काउंट हमेशा बोले नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर दी जाती है। डिस्काउंट हमेशा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर दी जाती है। इसलिए जब कभी डिस्काउंट का केस हो, पहले नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर जाया जाता है। बोले पहले नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर जाया जाता है, फिर डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट की जाती है। पहले कहां जाया जाता है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर। और फिर क्या किया जाता है? डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट की जाती है। ओके भाई, ओके। अब सुनो बेटा, अब सुनो मेरे बच्चों, ये क्या है? कितने की? नेट ऑफ कितने की? ये कैश सेल्स हुई, ये कैश सेल्स हुई। मेरे साथ रहे। ये 120,000 डिस्काउंट माइनस करने के बाद है। ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट? चलो, ये ट्रेड डिस्काउंट है या सेटलमेंट डिस्काउंट? भाई हमेशा याद रखो, जब तक पेमेंट की स्टोरी नहीं है, सेटलमेंट डिस्काउंट आई ही नहीं सकती। और कैश सेल्स के साथ सेटलमेंट डिस्काउंट तुम्हारे बड़े लेकर आएंगे। क्रेडिट सेल की नहीं, कैश डिस्काउंट दूंगा क्या यार? तो मुझे शर्मिंदा करवाओगे बाहर जाके यार। ओ गदो, कैश सेल्स है, यहां तो क्रेडिट दिया ही नहीं है। और जब क्रेडिट नहीं दिया तो ये कैश डिस्काउंट कैसे बन सकती है? ये सेटलमेंट डिस्काउंट कैसे बन सकती है? तुम्हें तुम्हारे अम्मा अब्बा की कसम देकर लिखवाया था नोट कि भाई जो सेल के वक्त डिस्काउंट होगी वो ट्रेड डिस्काउंट होगी, जो पेमेंट के वक्त डिस्काउंट होगी वो कैश डिस्काउंट होगी। पता नहीं यार कहां से जहाज आ गए सीए करने। 10,000 का नोट, तुम वो लोग हो, तुम्हें ठिप्पा भी नहीं देना चाहिए। चलो लिखो, अब मुझे बताओ 120,000 डिस्काउंट माइनस करने से पहले है या बाद में? नेट का मतलब ये बाद में। ओके ओके, इसमें से 10,000 डिस्काउंट माइनस हो चुका। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बोलो। ओए गधो, एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री। अगर किसी दिन ये दिल बंद हो गया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा यार। लिखो लिखो, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री नहीं होती। 10,000 क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, और इसकी एंट्री नहीं होगी। अब जरा इधर आ जाए,
ये इस डेट को हुआ है, 20 को ही हुआ, 24 अब जो है वो 24 को है ना, 24/8/17 कैश डेबिट, बोलो सेल्स क्रेडिट कितने से, 1,20,000। अब जरा रुक जाना, ये तो सबने ही एंट्री पास कर लेनी थी। पीरियोडिक है, परपेचुअल है, परपेचुअल है सेल की, ये सेलिंग प्राइस है, क्या इसकी कॉस्ट भी रिकॉर्ड होगी, बोलो जी। ये देखो, ये सेल की थी उसकी कॉस्ट भी लिखी थी, ये सेल की है इसकी कॉस्ट भी लिखेंगे, चाहे कैश सेल्स की हो चाहे क्रेडिट सेल की हो, यूनिट्स तो तुम्हारे पास से चली गई हैं, जब यूनिट्स चली गई तो इन्वेंट्री क्रेडिट होगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगी अपनी, बोलो कोई सेलिंग प्राइस, अपनी कॉस्ट पे, अपनी कॉस्ट पर। आओ बेटा अब बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या करूं, डेबिट, और इन्वेंट्री को क्रेडिट। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, जाने वाली गुड्स की कॉस्ट। जो सही जवाब ले आया, चाय का आखिरी सिप पिर्च में डाल के उसे दूंगा, आखिरी सिप। 1,00,000 कह रहे हैं ये डिलीवरी बॉय, कैसे 1,00,000, 1,20,000 से कर। शाबाश, किन बच्चों ने सही किया, वेल डन, बाकी करें देखते हैं क्या करते हैं। जरा कॉस्ट निकालें, चलें जी कॉस्ट पे। अब बच्चों कॉस्ट 1,20,000 पे नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1,20,000 नहीं है, कौन सी डिस्काउंट दी है, स्पेशल। मसलन आज तुम 23 मार्च की किसी सेल पे चले जाओ, तुम्हारी हालत ही देखकर वो क्या कहेंगे, लो बेटा 10,000 तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट, तुम अंसारी के स्टूडेंट हो। अब बताओ जी नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी बनी, 1,30,000। बेटा प्लीज, अब यहां क्वेश्चन सॉल्व होगा कितने से, बेटा प्लीज 1,30,000। काश के तुम्हें पता चले कि उस्ताद प्लीज कहते हैं हम फिर भी चुप नहीं होते, हम कितने गंदी हरकत करते हैं, काश तुम्हें यह अंदाजा हो, काश, क्योंकि अगर इसी तरबियत से आगे चले गए तो फिर कभी भी बड़े का अदब नहीं करोगे, वो बोलता रहेगा तुम आगे से जवाब भी नहीं दिया करोगे, वो कहेगा खामोश तुम आगे से बोलोगे। क्लास में तरबियत करो, या तो घर करो या क्लास में करो, ताकि काम आए जिंदगी में। कितनी आई वैल्यू, 1,00,000। अब इस 1,00,000 को यहां लिख दीजिए, 1,00,000 को यहां लिख दीजिए। इन द लास्ट नॉट द लीस्ट, ब्रैकेट में लिखे लेटर ऑन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लेटर ऑन क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको लॉसेस नहीं सिखाए, क्या नहीं सिखाए, लॉसेस, अभी गेन ही गेन सिखाए जा रहा हूं, लॉस सिखाऊंगा इंशाल्लाह, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस सारा सिखाऊंगा इंशाल्लाह। लो भाई हो गया क्वेश्चन, अब ध्यान से मेरी बात सुने, यहां तक कॉपी करें, कॉपी करें इधर जी भाई, हेडिंग बनाएं लॉस, क्या हेडिंग बनाएं, लॉस। जो दो पेज छोड़े थे उस पर जाके होमवर्क करना है, और एंट्रीज को 5 times लिख कर लेकर आना है, जो पीरियोडिक की एंट्रीज हैं और परपेचुअल की। अब हेडिंग फ्रेश पेज में बनाएं लॉस, क्या हेडिंग बनाई है, लॉस, क्या हेडिंग बनाई, लॉस लिखे। लॉस मींस यूनिट्स आर नो मोर, यूनिट्स आर नो मोर इन बिजनेस। लॉस मीन्स यूनिट्स आर नो मोर
इन बिजनेस और इवन इफ दे आर इन बिजनेस, इवन इफ दे आर इन बिजनेस, दे हैव नो वैल्यू. इवन इफ दे आर इन बिजनेस दे हैव, या तो बिजनेस से ही चली गई या फिर अगर बिजनेस में है भी तो उनकी कोई वैल्यू नहीं. इन दोनों का मतलब क्या है? लॉस हो गया. इनका मतलब क्या है? लॉस हो गया. अब जब लॉस होता है तो दो तरह का लॉस होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस. डेली क्लासेस में हम 5-7 मिनट लेट स्टार्ट करते हैं, वो कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस, पहले से पता होता है. फिर सर की चाय आ जाती है, चलते चलते आती है, सर तरीके से अपनी चाय पीनी होती है, ब्रेक श्रेक देते हैं, 4-5 मिनट उधर भी लग जाते हैं, कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस. फिर मेरे ये बासित को या मेरे शहमीर को आमद होती है, डिलीवरी बॉय को, आलू चने को, इनकी आमद पे क्लास हंसती है, कुछ ना कुछ क्लास रुक जाती है, कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस. आज उज़ैफा भाई ने समा बंधा दिया, आज का जो लॉस है ये एबनॉर्मल लॉस. तो नॉर्मल लॉस प्रिडिक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस, एंटिसिपेटेड लॉस, इन एडवांस मालूम था कि इतना लॉस होगा, वो नॉर्मल लॉस है. और जो उससे ओवर एंड अबव है वो एबनॉर्मल लॉस. तो लॉस दो तरह का, लिखिए भाई, दो विंग्स बनाए. प्लीज प्लीज, हर वक्त मजाक नहीं अच्छा होता, ये मजाक की वैल्यू खत्म हो जाती है. एक नॉर्मल लॉस, कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस. पेंसिल ना कर मेरे बच्चे. दूसरा एबनॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस का मतलब एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस, जो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लॉस होगा. और एबनॉर्मल लॉस का मतलब बोलो अनएक्सपेक्टेड लॉस. मैं इतना लॉस बताऊंगा जिससे मेरा इंट्रो कवर हो जाए, बाकी लॉस कॉस्ट का टीचर सिखाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग में. कौन सी कॉस्टिंग में? तो कॉस्ट का एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग. वहां जब टीचर शुरू करेगा वो यहीं से शुरू करेगा, आपको लॉसेस के मुतालिक बताएगा. तो एक्सपेक्टेड लॉस, नॉर्मल लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस, नॉर्मल लॉस. अब सिस्टम कितने हैं? दो. एक है परपेचुअल. क्या है? परपेचुअल. और दूसरा क्या? पीरियोडिक. फिर इधर भी क्या है? परपेचुअल. क्या है? परपेचुअल. दूसरा कौन सा है? पीरियोडिक. इसका मतलब सर अंसारी हमें चार तरीके से देखना पड़ेगा. नॉर्मल लॉस को परपेचुअल में, नॉर्मल लॉस को पीरियोडिक में, एबनॉर्मल लॉस को परपेचुअल में, एबनॉर्मल लॉस को पीरियोडिक में. क्लियर? जहां एंट्रीज की थी वो पेज ओपन करें, नोट्स का, राइस बुक नोट्स. एंट्रीज फॉर, अभी इन दो चीजों को छोड़ देना, सिर्फ क्या देखना है? एंट्रीज फॉर लॉसेस. लॉसेस कितने हैं? नॉर्मल, पीरियोडिक, पीरियोडिक. अकाउंटिंग एंट्रीज हम घर से लाएंगे, वो बताएगा, वो बताएगा. आए भाई, कौन सा लॉस? कौन सा सिस्टम? कोई एंट्री? कोई एंट्री नहीं है. कौन सा लॉस? कौन सा सिस्टम? क्या एंट्री होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, अपनी कॉस्ट पर. कोई टेंशन? सिंपल है.
पीरियोडिक में नो एंट्री, परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। याद कौन रखेगा? आप रखेंगे। आगे सुने ध्यान से, अब कौन सा लॉस, ये कौन सा सिस्टम क्या है? एबनॉर्मल लॉस डेबिट परचेजेस, एबनॉर्मल लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट। ओके, परपेचुअल में एबनॉर्मल लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। इसका मतलब यहां क्या क्रेडिट होगा, यहां क्या क्रेडिट होगा, डेबिट दोनों जगह सही होगा। ओके भाई, ओके। सम टाइम जब लॉस होता है, जब लॉस होता है तो आपका स्टॉक इंश्योर्ड भी हो सकता है और अनइंश्योर्ड भी हो सकता है। इंश्योर्ड का मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने गारंटी दी हुई है कि भाई अगर कोई लॉस हुआ तुम्हारी इन्वेंट्री का हम पूरा करेंगे, तुम हमें प्रीमियम देते रहो। इंश्योरेंस का पता है ना, तो हमने स्टॉक को या तो इंश्योर्ड करवाया होगा या नहीं करवाया होगा। लेट से नहीं करवाया, लेट से नहीं करवाया, अगर नहीं करवाया तो जितनी इन्वेंट्री जाया हुई वो सारे का सारा नुकसान हमारा है, वो सारे का सारा नुकसान हमारा है। ओके, और जब एबनॉर्मल लॉस की पहली एंट्री पास हो जाए तो इसके बाद एक और एंट्री पास होती है। पूछने वाला बच्चा ये पूछेगा, सर ये जो लॉस हुआ है ये कहां रिकॉर्ड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस में? इसका जवाब ये है कि एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी जीपी में से माइनस होता है। किस में से माइनस होता है? अब मुझे बताएं, जब इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में भेजूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? डेबिट। और एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? क्रेडिट। यहां क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। क्योंकि मैंने आपको बताया था हर एक्सपेंस जब ट्रायल बैलेंस से निकलता है तो खुद क्या हो जाता है? क्रेडिट। और पीएनएल को डेबिट, और यह भी एक एक्सपेंस है। नाम क्या है इसका? एबनॉर्मल लॉस। तो जब ये पीएनएल में जाएगा तो पीएनएल को क्या करेगा? डेबिट करेगा। और एबनॉर्मल लॉस को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। जी मेरे दोस्तों, एबनॉर्मल लॉस पीरियोडिक में क्या एंट्री है? एबनॉर्मल लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ओके, जब ये पीएनएल में जाएगा तो पीएनएल डेबिट एबनॉर्मल लॉस, पीएनएल डेबिट एबनॉर्मल लॉस। ये जब है जब स्टॉक इंश्योर्ड नहीं था। ओके, अब अज्यूम कर रहा हूं कि स्टॉक इंश्योर्ड था, हम अपनी क्लेम लेकर इंश्योरेंस कंपनी में गए, चले गए, दो चांस हैं, या तो वो हमारा केस अप्रूव करेंगे या अप्रूव, अगर अप्रूव नहीं किया वो यही एंट्री रहेगी, यही एंट्री रहेगी पीएनएल डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। अब अगर उन्होंने हमारा केस एक्नॉलेज कर लिया, केस क्या कर लिया, अब फिर दो पॉइंट बनेंगे, या तो इमीडिएटली कैश मिल जाएगा या वादा मिलेगा। कैश मिला तो कैश को डेबिट करूंगा, ठीक है, और अगर वादा मिला तो रिसीवेबल को डेबिट करूंगा। याद करो शुरू की क्लासेस, प्रॉमिस मिला है तो रिसीवेबल है, प्रॉमिस दिया है तो पेबल है। दोबारा रिपीट करता हूं, लेयर बनानी है ब्रेन में, ये होगा तो ये, ये, ये और ये। दोबारा सुन, ये एंट्री तो पास हो गई, स्टॉक इंश्योर्ड नहीं है, क्या एंट्री करूं? पीएनएल डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। ओके, ताकि पीएनएल में चला जाइए। इंश्योर्ड है, क्लेम यस नहीं हुई, पीएनएल डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, पागलों की तरह सेम है, ये है वो है, और गधों एंट्री बोलो। जागो, हिम्मत करो, जीत के जीतना है, हिम्मत से जीतना है। और जब कभी डाउन हो बस ये समझाओ यार क्या पोस्ट होगी,
200 लोग मेरे अंडर होंगे, मैं पिज्जा खाऊंगा या खाऊंगी, लोग काम करेंगे। बस इसको तुमने आइडियलाइज करना है, फैमिली साइज पिज्जा है, मैं अकेला हूं और खाए जा रहा हूं मजे से। चलो मेरे दोस्तों आसन है, इंश्योर्ड है और उन्होंने फॉरन कैश दे दिया, कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। अच्छा, अगर जितना नुकसान हुआ उतना कैश आ गया तो कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट और पीएनएल में कुछ नहीं जाएगा। अगर 200 का एबनॉर्मल लॉस डेबिट हुआ हुआ है और 150 कैश आया तो कैश डेबिट 150, पीएनएल डेबिट 50, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट 200। यानी लॉस में से कैश वाला पोर्शन डेबिट कर देंगे, पीएनएल कम से डेबिट होगा। ओके, और अगर वादा आया तो कैश की जगह क्लेम रिसीवेबल डेबिट हो जाएगी, कैश की जगह क्लेम रिसीवेबल डेबिट हो जाएगी। आ जाए भाई, इफ सम अमाउंट रिकवर्ड थ्रू, इधर आ जाए भाई, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, पीएनएल डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। और अगर क्लेम रिसीवेबल की जगह कैश आ गया तो फिर कैश डेबिट। और अगर ये दोनों हुए, मसलन 200 का नुकसान था, 50 का वादा हुआ, 75 का कैश आया, तो फिर पीएनएल में कितना आएगा? सिंपल चीज है, तीनों में तकसीम करना है। और अगर ये दोनों ना हुए, पीएनएल 200 से डेबिट हो जाएगा, कैश ना हुआ ये 125 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा, कैश खत्म हो जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पीएनएल में जो जो अपना हिस्सा डालता जाएगा, पीएनएल उतने से कम डेबिट होता जाएगा। इधर आ जाए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, पीएनएल डेबिट, एबनॉर्मल लॉस। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? दो मिनट लगाकर इनके सामने यहां से देखकर एंट्रीज लिखें ताकि रजिस्टर पे सारी चीजें फ्लो चार्ट में आ जाए। लिख लिए? किसी ने लिखी है तो मुझे दे, शाबाश, गुड। लो भाई, परपेचुअल से एंट्री लिखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो डेबिट, और इन्वेंट्री क्रेडिट एट, और बोलो कॉस्ट एट कॉस्ट। फिर आए पीरियोडिक सिस्टम नॉर्मल लॉस, बोले भाई नो एंट्री। एबनॉर्मल लॉस परपेचुअल से, अब मैं पूरी एंट्री लिखने लगा हूं, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, इन्वेंट्री बोलो क्रेडिट, कोई फिगर लिख दो, 200 लिख दो। अब अगर क्लेम रिसीवेबल हुई तो क्या लिखूंगा? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, कोई फिगर बताओ 200 में से, 100 ना करो, इक्वल ना करो, 125 कर दो, 125 कर देते हैं। पीएनएल कितने से डेबिट होगा? 75 से, और एबनॉर्मल लॉस भाई, एबनॉर्मल लॉस 200 से। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि घर जाके कोई मसला ना हो कि सर ने जो समझाया था वो कहीं रिटर्न नहीं है हमारे पास। पीएनएल क्यों डेबिट होगा? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस ने पीएनएल में शिफ्ट होना है। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट हो रहा था, पीएनएल डेबिट हो रहा था। इंश्योरेंस क्लेम ने कहा 125 हम तुम्हें दे देंगे, तो मेरा नुकसान कितना रह गया? 75 रह गया। इधर आ जाओ, लिखो जी, एबनॉर्मल लॉस बोलो डेबिट, इन्वेंट्री और बोलो परचेजेस, पीरियोडिक है सॉरी, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, कितने से? 200 से। अब आ जाए इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, कितने से किया था? 125, ये रिसीवेबल है भाई, पूरा लिखना। और पीएनएल डेबिट
75 और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट 200। याद रहेगा, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि एमसीक्यू कोई भी आए आपको अपनी बुक से ही एमसीक्यू का सॉल्यूशन अवेलेबल होता रहे इंशाल्लाह। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुननी है जी। बहुत शुक्रिया सर। एक्सक्यूज मी, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर कई एमसीक्यूज पेपर में आएंगे, क्योंकि पास में आते रहे हैं इसलिए मुझे अंदाजा है कि कई एमसीक्यूज पेपर में आएंगे। हेडिंग बनाएं एनआरवी एडजस्टमेंट। बेटा बातें नहीं, क्या हेडिंग है? एनआरवी एडजस्टमेंट। क्या हेडिंग बनाई? पेंसिल्स डेस्क पे रख दे। कोशिश करूंगा कि पूरी एनर्जी कंज्यूम करके आपके ब्रेन्स में ये कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करवा दूं अल्लाह के फजल से, इसलिए काइंडली अटेंटिव होकर बैठिएगा। एनआरवी एडजस्टमेंट, कुछ बच्चे पूछ रहे थे 18 नंबर का जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होगा उसे कैसे सॉल्व करना है। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपको वो क्वेश्चन या वो टॉपिक जब करवाऊँगा तो मेरे अल्लाह ने चाहा मैं आपको पूरी वीडियो दूंगा कि यार ये देखो ये क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया हुआ, अब आ जाओ कंप्यूटर लैब में और इसकी प्रैक्टिस करोगे, फिगर्स को कैसे प्लग इन करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो मैं वीडियो ही देने में कामयाब होऊंगा, जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं इन्हें ऊपर लैब तैयार हो रही है कंप्यूटर की, वहां पर बकायदा डेमो देंगे और आपको प्रैक्टिस टाइम भी देंगे ताकि आप ऑनलाइन की भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है बेटा, एनआरवी एडजस्टमेंट, कितने अकाउंटिंग सिस्टम है? दो। मेरे साथ रहिएगा, एनर्जीज को रिकैप्चर कीजिए, बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको चाय या जूस पिलाता हूं, कोई ऑफिस बॉय आ जाए। एक है पेरियोडिक और एक है परपेचुअल। जब 31/12/12 हुआ तो पीरियोडिक में फिजिकल काउंट हुआ आफ्टर बोले 5 PM हो गया। ओके, हमारे असिस्टेंट ने फिजिकल काउंट किया और उसने हमें क्या दी? क्वांटिटी दी। शाबाश, क्या दी? क्वांटिटी दी। हमने इसे मल्टीप्लाई करना है किससे? रेट से। किससे? रेट से। शाबाश, रेट से। जब परपेचुअल है और 31/12/12 है तो फिजिकल काउंट हुआ? जो जितना मैंने सिखाया फिजिकल काउंट हुआ नहीं, इन्वेंट्री का लेजर क्लोज हुआ। शाबाश बेटा, इन्वेंट्री लेजर क्या हुआ? क्लोज हुआ और हमें क्या मिला? बैलेंस सीडी मिला। कितने बजे? 5 बजे मिला। वेल डन, शाबाश।
यहां तक क्लियर? कह सकता हूं ये बैलेंस सीडी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट एक क्लोजिंग वैल्यू दे रहा है भाई, दे रहा है, कभी फाइफो से दे रहा है और कभी एफ को से दे रहा है। ओके, कह सकता हूं ये जो वैल्यू मिली है ये इन्वेंट्री की अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है? अनएडजस्टेड, क्योंकि अगर 5 बजे के बाद इसमें कोई चेंज आई तो ये क्या बनेगा? एडजस्टेड इन्वेंट्री लेजर बनेगा। हमने पहले एग्री किया हुआ है 5 बजे का बैलेंस, अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट हुई तो एडजस्टेड बनेगा। ओके, जबकि यहां क्लोजिंग स्टॉक का लेजर ही नहीं है, यहां तो हमने क्या किया? फिजिकल काउंट किया। कब किया? क्या मिली? मल्टीप्लाई करना है रेट से। मैंने जान के यहां कॉस्ट नहीं लिखी, क्या लिखा? रेट लिखा। क्या लिखा? रेट लिखा। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो 5 बजे रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो 5 बजे रेट से, और वो रेट होगा कॉस्ट। क्या होगा? कॉस्ट। कभी फाइफो से मिलेगा, कभी एफ को से मिलेगा। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, अगर 5 बजे के बाद यहां एडजस्टमेंट हुई तो क्या बनेगा? एडजस्टेड इन्वेंट्री। क्या बनेगा? और अगर 5 बजे के बाद यहां एडजस्टमेंट हुई तो मैं इस मल्टीप्लिकेशन को थोड़ी देर के लिए लेट कर दूंगा, डिले कर दूंगा, पोस्टपोन कर दूंगा, ताकि 5 बजे के बाद जो कुछ एडजस्टमेंट होनी है वो एडजस्टमेंट हो जाए और जो रेट फाइनल हो उससे ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो। क्लियर? yes, नाम क्या है? yes, अब ध्यान से सुनना, वो क्लोजिंग स्टॉक 15 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स? तो अगर यहां 15 यूनिट्स हैं तो यहां जो बैलेंस सीडी आ रहा है उसमें कितने यूनिट्स हैं? बोले उसमें भी 15 यूनिट्स हैं, क्योंकि यूनिट्स तो चेंज नहीं हो सकते। ये 15 यूनिट स्टैंड कर रहे हैं अपनी कॉस्ट पर, कर रहे हैं ना, और ये 15 यूनिट्स अभी स्टैंड नहीं कर रहे, वो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंड करेंगे, क्योंकि छोटू ने तो सिर्फ हमें यूनिट्स दिए हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट में कोई मसला है तो पूछो। पक्का? कॉन्फिडेंट? अब इन 15 यूनिट्स को मैं लेकर बैठा हुआ था, ये कब सेल होंगे? अगले पीरियड में। कब सेल होंगे? अगले पीरियड में, क्योंकि आज तो पीरियड क्लोज हो गया। कल सुबह ये क्लोजिंग क्या बनने जा रहा है? ओपनिंग। यहां वो ओपनिंग आएगा एंट्री से, और यहां वो ओपनिंग आएगा सीडी से बीडी बन जाएगा। अब 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक हमारे पास टाइम है, जब तक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं बनती, कि अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो कर दी जाए। यहां वो एडजस्टमेंट एडजस्टेड इन्वेंट्री अकाउंट के जरिए इनकॉर्पोरेट होगी, और यहां वो एडजस्टमेंट रेट की रिवीजन के तौर पर आएगी। क्योंकि अगर अभी मैंने 5 बजे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में कोई चेंज आई तो वो चेंज इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा जरा रुक जाओ, एक दफा चीजें क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए, फिर एक ही दफा मल्टीप्लाई करूंगा। यहां तक क्लियर? अब ये मल्टीमीडिया हमारे पास है, हम इसकी सेल करते हैं, ये हमारा बिजनेस है, तो ये हमारी गुड्स बन गई। तो कह सकता हूं कितने मल्टीमीडिया हैं? कितने मल्टीमीडिया हैं इस वक्त? यहां पर वो अपनी कॉस्ट पर बैलेंस सीडी में पड़े हुए हैं, यहां पर अभी से फिजिकल काउंट हुआ है, रेट मल्टीप्लाई अगर कुछ ना हुआ तो कॉस्ट लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी ने आके कहा
अंसारी ये मल्टीमीडिया तेरा आउट ऑफ डेट हो गया। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यार मार्केट में ऐसे मल्टीमीडिया आए हैं जिसमें बाकायदा आप सिर्फ बोले और पेंसिल खुद लिखती है, पेंसिल खुद लिखती है। ऐसा है? ये आईफोन जो लेटेस्ट है उसमें ऐसा फीचर मौजूद है, एंड्रॉयड में भी होंगे। आप स्पीक आउट करें वो वर्ड में पूरा मैसेज कंपोज कर देता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ऐसी आने वाली है बेटा। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये मल्टीमीडिया जो है ये लिख दिया करेगा, ऐसा वॉइस कैच होगी कि मैं यहाँ से बोलूँगा वो उसे कैच करेगा और बोर्ड पे लिखता जाएगा। ठीक है, हवा में उड़ने वाली कार्स यूके में आ गई हैं, एक वक्त आएगा 100 साल के बाद 50 साल के बाद पाकिस्तान में भी आ जाएंगी, फिर इन जहाज़ों की वैल्यू, फिर जहाजन कार्स आएंगी। क्या आएंगी? जहाजन कार्स आएंगी। चलो मेरे दोस्तों, अब जब उसने मुझे ये कहा कि अंसारी तेरा मल्टीमीडिया तो आउट ऑफ डेट है, अब लाजमी बात है पब्लिक नया वर्जन लेगी। कल जब अगला साल शुरू होगा तो मेरे मल्टीमीडियास की मार्केट में डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो सेलिंग प्राइस भी कम होगी, मुझे कम में बेचना पड़ेगा, कम में बेचना पड़ेगा। हो सकता है मुझे जो बेचना पड़े वो कॉस्ट से भी कम वाली वैल्यू हो। प्रूडेंस क्या कहता है? एसेट्स को ओवर स्टेट ना करो। क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट है, करंट एसेट, इसलिए तो बैलेंस शीट में आता है। और प्रूडेंस कहता है कि अंसारी अगर तुम्हें एसेट्स लिखने हैं तो उन्हें ओवर स्टेट ना करना, और अगर कहीं फ्यूचर का लॉस एंटीसिपेट कर लो तो उसको रिकॉर्ड कर लेना, कर लेना। एक दफा उसे पीएनएल में लिख देना, एक दफा उसे बैलेंस शीट में से माइनस कर देना, एक दफा पीएनएल में लिख देना, एक दफा बैलेंस शीट में से माइनस कर देना, जैसे डेप्रिसिएशन को किया। डेप्रिसिएशन क्या है? अंदाजा है, अंदाजा है। पीएनएल में माइनस कर देता हूं और जब बैलेंस शीट में जाता हूं तो एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देता हूं, ताकि मेरे एसेट क्या ना हो, ओवर स्टेट ना हो। और जो नुकसान मैं एस्टीमेट कर रहा हूं वो आज की इनकम स्टेटमेंट से माइनस हो जाए। अब क्या डर लग रहा है कि मेरा स्टॉक ओवर स्टेट हुआ हुआ है अगर मैं कॉस्ट पे लिखूं, क्योंकि फ्यूचर बता रहा है कि जब ये सेल होगा तो ये अपनी कॉस्ट से भी कम जा चुका होगा। और प्रूडेंस कहता है कि अगर तुम ये एंटीसिपेट कर चुके हो और एविडेंस मार्केट का अवेलेबल है तो अपने एसेट को क्या करो, अंडरस्टेट करो, उसे कम लिखो, क्योंकि अभी वो ओवरस्टेट है। क्लियर? एनआरवी का मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या है? अगर मुझे अपनी स्टॉक आइटम्स की आइंदा आने वाले वक्तों में एनआरवी कैलकुलेशन ये बताए कि वो वैल्यू इसकी कॉस्ट से कम है, तो मुझे डिफरेंस की क्या कर देनी चाहिए, एडजस्टमेंट कर देनी चाहिए। मेरा फायदा होगा या नुकसान? नुकसान होगा, क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस आइंदा की मेरी कॉस्ट से कम जा रही है। लिखो ये बाद में कॉपी करना, पहले एनआरवी एडजस्टमेंट में कुछ बातें लिखो। एवरी बिजनेस हैज सम क्लोजिंग स्टॉक, एवरी बिजनेस हैज सम क्लोजिंग स्टॉक। एवरी बिजनेस बोले है सम क्लोजिंग स्टॉक,
इन पीरियोडिक सिस्टम इट केम फ्रॉम इन पीरियोडिक सिस्टम इट केम फ्रॉम बोलिए जी फिजिकल काउंट गुड शाबाश कौन बोलिए वेल डन शाबाश इन पीरियोडिक सिस्टम इट केम फ्रॉम फिजिकल स्टॉक फिजिकल काउंट एंड इन परपेचुअल सिस्टम इट केम फ्रॉम बोले इन्वेंट्री अकाउंट इट केम फ्रॉम इन्वेंट्री अकाउंट तो कह सकता हूं यहां क्लोजिंग स्टॉक अपनी स्टॉक वैल्यू पर सीडी के तौर पे मौजूद है और यहां क्लोजिंग स्टॉक अपनी यूनिट्स के साथ मौजूद है। जैसे ही हमारा दिल चाहेगा हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से किससे कॉस्ट से। लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद हमें क्या हुआ इंटीमेशन मिली ओ भाई ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना ये फ्यूचर में अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं सेल होगा। मैंने कहा चलो कुछ कम पे सेल हो जाएगा। आने वाले ने डरा के ही रख दिया कहते हो भाई किधर बैठा हुआ बड़ी मुश्किल होगी इसे बेचने में और हमें तो लगता है कि ये अपनी कॉस्ट वैल्यू से भी कम में सेल होगा। लेकिन आफ्टर 5 PM देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज ऑन जियो चैनल आफ्टर 5 PM देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज। मैं सीरियस हूं बच्चे बच्चियां परेशान होती हैं क्या हो गया सर अंसारी को। देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज ऑन जियो प्लीज प्लीज ऑन जियो न्यूज डैड प्लीज प्लीज बेटा मैं सीरियस हूं मेरे बच्चों बोंगिया ना मारो। देखो सारा कॉन्सेप्ट आउट कर दिया या तो मैं तुम्हें समझा लूं या तुम्हारी बोंगियों को चुप करवा लूं। क्या बोला था यार आफ्टर 5 PM देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज ऑन जियो न्यूज डैड। सर अंसारीज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मल्टी मीडिया या प्रोजेक्टर्स कर लें सर अंसारीज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोजेक्टर्स विल हैव अ NRV विल हैव अ NRV लोअर देन जी लोअर देन कॉस्ट और NRV क्या है आप लिखे नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है फिर जियो की न्यूज को आगे लेके चलेंगे। उसने कहा है ना NRV तो अब हमने उसी एंकर से पूछा भाई NRV क्या होती है खबर तो तुमने चला दी है अब वो क्या कह रहा है सर हम बताते हैं NRV क्या होती है। उन्होंने लाइव ले लिया सारे हमारे बड़ों को अपोजिशन हुकूमत के सारे बड़े जो हैं लाइन पे हैं और सर अंसारी उनसे क्या पूछ रहे हैं बताओ जी NRV क्या होती है क्या बताने लगा हूं NRV जियो वाले रेडी है जी जियो के कैमरामैन मुस्कुरा रहे हैं हामिद मीर के साथ होते हैं ये माजी में फिलहाल ये नवीद अंसारी के साथ हैं ठीक है चलो मेरे दोस्त NRV मीन्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV मीन्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इट कैन बी कैलकुलेटेड आहिस्ता वो कहते हैं ना सरहाने मीर के जरा आहिस्ता बोलो चलो इट कैन बी मीर और गालिब चलो NRV कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब NRV की आवाज तो लगा दी है फॉर्मूला पूछा तो सारे क्या कहते हैं वो तू बता। मैंने कहा चलो जियो लिखो NRV का फॉर्मूला। अंकल का नाम क्या है NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेटेड जी नहीं भाई
ये ना पीरियोडिक है ना परपेचुअल है। मैंने इसलिए कहा ये बाद में कॉपी करना, पहले मैं एनआरवी की स्टोरी सुना रहा हूं, क्योंकि मुझे उस स्टोरी को सुनाकर यहां पे लाना है, यहां से एनआरवी को इसके साथ ज्वाइन करना है, फिर दोनों में लड़ाई करवानी है, किसी एक को विन करना है। इसलिए मैंने कहा है कि ये कॉपी ना करना, पहले जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो एक दिन जियो के साथ। चलो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, लेस बेटा ये पेंसिल ना का मेरे बच्चे, अब तो सेशन एंड होने लगा यार। लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, इसमें से क्या लेस करेंगे, कॉस्ट टू सेल। ये कॉन्सेप्ट तो कभी भी नहीं दिया था, दिया था अभी डेप्रिसिएशन में। एक होती है डिस्पोजल वैल्यू, एक होती है डिस्पोजल कॉस्ट। यहां डिस्पोजल वैल्यू को क्या नाम दिया, सेलिंग प्राइस, और डिस्पोजल कॉस्ट को कॉस्ट टू सेल। अब इसके कई नाम है, इसके कई नाम है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल का दूसरा नाम है सेलिंग कॉस्ट। क्या है वो बोलो ना, सेलिंग कॉस्ट। कैमरामैन भाई मेरे ख्याल में ना न्यूरोबियन होता है शायद, वो नीले कलर के कैप्सूल दो दो लाके दें जिनके बीपी लो हुए पड़े हैं, ठीक है। कोई छोटी छोटी रेड ब्लड की बॉटल्स भी ले आना, लगा देते हैं इन्हें ताकि ये पढ़े तो सही ना। थोड़ी सी हिम्मत करो, आवाज ही नहीं है, सांस ही नहीं है। yes, बस बस आगे सुनो, सेलिंग कॉस्ट लेस रिपेयर कॉस्ट प्लीज लेस कंप्लीशन कॉस्ट। जी इसी के नाम है भजन भाई, नाम है शमीर है, हैंगर है, ऐनक वाली सरकार है, जुल्फों वाली सरकार है, ये सारे इसके नाम है। जब इस सेलिंग प्राइस में से ये सब माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, एन आर वी। क्या होगा, एन आर वी। एन आर वी प्लीज प्लीज आमद होगी थी, लेकिन मैं रुका क्योंकि मेरा टॉपिक बड़ा टेक्निकल है, इस वक्त मैं किसी और चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। प्लीज 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 एन आर वी आ जाएगी। आप जरा ध्यान से सुनना, मेरे साथ रहना। इसका मतलब ये रेट कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करके आएगा भाई, आएगा। एनआरवी का फार्मूला लिख लिया, अब इसको कॉपी करें, फिर मैं आगे जाऊंगा। इसको कॉपी करें, इसके नीचे एनआरवी के फार्मूले के नीचे इसको कॉपी करें। चलो प्लीज एक्सक्यूज मी भाई, आ गई एनआरवी। अब कोई फिगर अज्यूम कर लेते हैं, इधर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस थी 15, ये था 2 रुपये, 1 रुपया अगर इनके नाम डिफरेंट भी हैं, कितना बचा भाई, 10 बचा। अब ये 10 क्या है, एनआरवी। ये 10 क्या है, मेरे साथ रहें प्लीज। अब एनआरवी कितनी है, 10। ध्यान से समझना, अगर कॉस है 8, मेरे साथ रहो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कॉस्ट है 8, एनआरवी है 10, तो क्या लूं, 8 या 10? 8 लूं या 10? 8 लूंगा भाई, क्योंकि प्रूडेंस कहता है एसेट को हाई नहीं करना, एसेट को हाई नहीं करना। तो इसका मतलब रूल ये है, विच एवर इज, बोलो लोअर, विच एवर इज लोअर। तो अगर कॉस्ट 8 पे है, एनआरवी 10 पे है, तो यहां किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से होगा, किससे होगा, 8 से होगा। ओके तो कह सकते हो सर अंसारी इसका मतलब हम पहले ही सही जगह पे जा रहे थे, हमने तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना था, वो तो आपने रोका, भाई रुक जाओ जरा देख लें एनआरवी 8 से डाउन ना हो जाए। शुक्र है एनआरवी 8 से
ऊपर है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से, और अगर एनआरवी चली गई 6 पर आप किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। 15 जरब 6 कितना आएगा? 15। बेटा मुझे वो कॉन्सेप्ट देने हैं ना जो लेके चलने हैं। 8 वाला केस तो नॉर्मल है, और नॉर्मल के लिए तो नहीं मैं पढ़ा रहा, एडजस्टमेंट हमेशा एबनॉर्मल के लिए होती है। कॉस और एनआरवी विच एवर इज लोअर, 6 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, अब मुझे बताओ अगर मैं 5 बजे 8 से मल्टीप्लाई कर चुका होता तो मुझे दोबारा से चेंज करनी पड़ती, इसलिए क्योंकि यहां पर पुराना कोई क्लोजिंग स्टॉक था ही नहीं। मैंने कहना जो ला रहा हूं पहली दफा लाऊंगा, तो पहली दफा ही ठीक ले आओ, बजाय इसके कि पहली दफा गलत लाओ बाद में एडजस्टमेंट करो। क्लियर? इसलिए यहां हमारे पास मार्जिन था, क्योंकि बैक पे क्या मौजूद नहीं था, इन्वेंट्री का लेजर मौजूद नहीं था। इन्वेंट्री तो फिजिकल काउंट से आई, और रेट को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने थोड़े टाइम इंतजार कर लिया। क्यों किया? पीरियोडिक सिस्टम था, क्लोजिंग स्टॉक ने आना था ट्रायल के बाद, इसलिए हमें ट्रायल बनाने की भी कोई टेंशन नहीं थी, ट्रायल ने क्लोजिंग स्टॉक के बगैर बनना था। क्लियर भाई? क्लियर? अब इधर आ जाओ। क्या टाइम हुआ? 5 बज गए। अगर 5 बज गए तो लेजर क्लोज हो गए, लेजर क्लोज हो गए, ट्रायल बन चुकी, ट्रायल बन चुकी, फिर ट्रायल में जो इन्वेंट्री आ रही है वो एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड? वो अनएडजस्टेड है। क्या है? अब जरा देखना, परपेचुअल से कल इन्वेंट्री अकाउंट बना लिया था, बनाया था, बैलेंस सीडी डेबिट क्लोजिंग आया था, क्रेडिट क्लोजिंग, बोलो, डेबिट क्लोजिंग आया था। क्या आया था? डेबिट क्लोजिंग। तो आज अगर 5 बजे के बाद कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो अनएडजस्टेड ही। ओके भाई? ओके? दोबारा बनाने की जरूरत तो नहीं होगी, और अगर एडजस्टमेंट हुई तो यहां क्या लिखूंगा? एडजस्टेड इन्वेंट्री। कहां से शुरू करूंगा? अनएडजस्टेड से, अनएडजस्टेड क्लोजिंग। कितने यूनिट से? और कॉस्ट थी 8 रुपए। कितने पे स्टैंड कर रहा था? 120 पे। ट्रायल में कितना आ रहा है? 120। अनएडजस्टेड क्लोजिंग कितना है? 120। ओके, थोड़ी देर के बाद एनआरवी आ गई, कितने पर? जी 6 पर अज्यूम कर रहा हूं, 6 पर, इधर भी 6 पे ही अज्यूम किया। अब एनआरवी आ गई, बोले 6 पर कितना बना? 90। अप करूं डाउन करूं? डाउन। अप तो होना ही नहीं है, विच एवर इज। तो अगर कहीं एनआरवी 8 से ऊपर होती तो अनएडजस्टेड ही एडजस्टेड बन जाता, क्योंकि लोअर वैल्यू 8 है और पहले 8 पे मौजूद है। अगर एनआरवी 6 पे जाएगी, अगर एनआरवी 6 पर जाएगी तो इसे 120 से उठा के लाना है 90 पे। कितना गिराऊं? 30 गिराऊं। इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। एडजस्टेड इन्वेंट्री कितनी रह जाएगी? बोलो 90। क्लियर? पक्का? ध्यान से कॉपी करो, फिर चाय पीते हैं। ध्यान से कॉपी करो। आप सुने भाई, कभी ऐसा हुआ कि यहां 10 रुपए रखे, सुबह उठे तो 20 थे? नहीं, वो 10 भी नहीं होंगे, वो 10 भी नहीं होंगे। अक्सर अम्मा फ्रिज में रात को बेचारी चीजें रख के सोती हैं, सुबह फजर के बाद चूहे पड़ चुके होते हैं उसे, हैं? इस तरह के चूहे जो हैं वो फ्रिज खाली कर चुके होते हैं। लॉस तो लॉजिकल बात है, लेकिन आई कैप के पेपर में सम टाइम लॉस की जगह गेन हो जाता है। यानी 20 यूनिट पड़े थे, आपने आंखें बंद की, आंखें खोलो 22 हो चुके हैं।
इसे कहते हैं सरप्लस, इसे कहते हैं गेन। क्या कहते हैं? सरप्लस या गेन। हेडिंग बनाएं, सरप्लस स्टॉक। जी फ्रेश पेज पर। सरप्लस स्टॉक स्लैश एबनॉर्मल गेन, सरप्लस स्टॉक स्लैश एबनॉर्मल गेन। क्या लिखा? सरप्लस स्टॉक। जी दूसरा वर्ड क्या? एबनॉर्मल। गेन, सरप्लस स्टॉक एबनॉर्मल गेन। समटाइम्स देयर विल बी सम इंक्रीज इन स्टॉक। समटाइम्स लिखें, पेंसिल ना करें बेटा। समटाइम्स देयर विल बी Some increase in stock rather than decrease, या instead of कर लें, instead of decrease. This is known as abnormal gain स्लैश बोलिए सरप्लस स्टॉक। दिस इज नोन एज एबनॉर्मल गेन स्लैश बोलिए सरप्लस स्टॉक। इसके नीचे सेंटर में लिखे अकाउंटिंग सिस्टम, इसी हेडिंग में जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है इसी में लिखे अकाउंटिंग सिस्टम। क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग सिस्टम। एक है बोले परपेचुअल और दूसरा क्या है? पेरियोडिक। एक है परपेचुअल और दूसरा है पेरियोडिक। परपेचुअल अगर सिस्टम होगा तो एबनॉर्मल गेन में इन्वेंट्री हाई होती है या लो? इन्वेंट्री इंक्रीज होती है या डिक्रीज? इंक्रीज होती है। तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो तो डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट। क्यों अदर इनकम क्रेडिट? क्योंकि आपको फायदा हुआ है और हर फायदा अदर इनकम है जो मेन एक्टिविटी के अलावा है। अब बताएं ये मेन एक्टिविटी है या एबनॉर्मैलिटी है? एबनॉर्मैलिटी है, कभी कभार होगा। ठीक है, लेट्स से 200 रुपए से इन्वेंट्री डेबिट हो गई और अदर इनकम क्रेडिट हो गई। पीरियोडिक में इसकी बोले भाई, पीरियोडिक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। पीरियोडिक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि ये सिस्टम बनाने वाले कहते हैं कि हमने इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी। और उसकी मेन रीजन ये है कि उनके पूरे साल इनके पास इन्वेंट्री का लेजर ही नहीं होता। ये तो लास्ट में फिजिकल काउंट के जरिए इन्वेंट्री काउंट करते हैं और उसमें सारा प्लस माइनस आपस में क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है।
ओके, कॉपी करें, ध्यान से कॉपी करें जी। कॉपी हो गया। आई कैप की बुक ओपन करें, आई कैप की बुक ओपन करें। अच्छा बेटा, मैंने अपने लिए बिठाया है आपको या सिलेबस के लिए? सिलेबस के लिए। प्लीज, मैं सीरियस हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप भी मोटिवेट रहें। आपकी डीमोटिवेशन मुझे डीमोटिवेट करती है, जो मुनासिब नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी हिम्मतें करें। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं हम कर रहे हैं जो आप थक जाएं या गिर जाएं या आपका बीपी लो हो जाए। सुने भाई, एक्सक्यूज मी, शुरू से करें। बेटा बातें नहीं, आई कैप की बुक ओपन करें। जी, मेजरमेंट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब ध्यान से सुनिएगा, आई कैप की बुक का फर्स्ट चैप्टर, सॉरी फर्स्ट पेज इन्वेंट्री का चैप्टर हम कर रहे हैं। व्हाट डू मीन बाई आईएएस? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो पुराने रूल हैं उन्हें कहते हैं आईएएस, और जो नए रूल हैं उन्हें कहते हैं आईएफआरएस, और जो बोर्ड ये रूल बनाता है उसे कहते हैं आईएएसबी। आईएएस टू इन्वेंट्रीज डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या चीज सेल करता है? फिनिश्ड गुड सेल करता है, इसलिए उन्हें ही वो अपने पास रखता है। किसके लिए? सेल के लिए। किसके लिए? सेल के लिए। वो गुड्स जो अभी इनकम्प्लीट है उन्हें क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोसेस। जिस मटेरियल से फिनिश गुड्स बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मटेरियल्स और सप्लाईज, और इन्हें टेक्निकली क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल या अदर सप्लाईज। यहां तक क्लियर? तो इसका मतलब है अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वो क्या बनाएगा? फिनिश गुड, ये बनाकर बेचेगा। और जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो ये खरीदेगा ये बेचेगा। तो ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ क्या नजर आएंगी? और जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा उसकी फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री में क्या पड़ा होगा, इससे क्या बनाएगा, और जो काम अभी इनकम्प्लीट है उसे क्या कहेंगे? इसलिए जिन बॉयज को खासकर फैक्ट्री जाने का विजिट करते हैं, चांस हुआ, वो देखते हैं कि कुछ रॉ शेप चीजें पड़ी होती हैं, कुछ इनकम्प्लीट बनी होती हैं, कुछ कंप्लीट पड़ी होती हैं। ये कंप्लीट होने के बाद शोरूम चली जाती हैं, वहां कस्टमर को सेल होती है। ठीक है, ये गोडाउन में पड़ी भी होती हैं, स्टोर्स डिपार्टमेंट में, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस में पड़ी होती हैं। कुछ काम हो चुका होता है, कुछ काम होना बाकी होता है। इसलिए ये देखें, रॉ मटेरियल कहां कंज्यूम होगा? प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में पहली आइटम रॉ मटेरियल जाती है, फिर लेबर इस पे काम करता है और इसे क्या बना देता है? वो गुड्स जिस पे कुछ मटेरियल लग चुका, कुछ लेबर लगी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसे। अगर एमसीक्यू आया तो हैंडल कर लोगे? गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मीन रास्ते में, ट्रांजिट मीन रास्ते में। गुड्स इन ट्रांजिट आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज इन्वेंट्री ऑफ बायर एंटिटी वेयर कंट्रोल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इज ट्रांसफर टू द बायर। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, मैंने कराची से कोई गुड्स खरीदी और वो कंटेनर पर आ रही थी, मुल्तान आकर कंटेनर किसी वजह से खराब हो गया, या ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, या कोई और रीजन है, अब वो वहां पर खड़ा हुआ, तो कह सकता हूं इन गुड्स का कंट्रोल अभी मेरे हाथ में नहीं आया। ओके, लेकिन उसके हाथ से भी निकल चुका है, इन बिटवीन
दरमियान में है, इसका मतलब कहां है? ट्रांजिट में है। अब गौर से सुने, अगर कराची में ट्रांसपोर्टर मैंने अरेंज किया लाहौर से, अगर कराची में ट्रांसपोर्टर मैंने अरेंज किया लाहौर में बैठकर या मेरे बिहाफ पर अरेंज हुआ और कंटेनर में से कुछ गुड्स खराब हो गई, तो सप्लायर की जिम्मेदारी या मेरी? मेरी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर किसका है? मेरा है। अब ये जो गुड्स मुल्तान में हैं और आज 31/12 हो गई, तो मेरे पास तो अभी नहीं। हमने कहा था परचेज रिकॉर्ड करेंगे जब गुड्स रिसीव हो जाएंगी, और अभी ये रिसीव नहीं हुई। अब देखा जाएगा कि ट्रांसपोर्टर किसका हायर्ड है। अगर ट्रांसपोर्टर मैंने हायर किया हुआ है, तो इसका मतलब मैं गुड्स रिसीव कर चुका, क्योंकि मेरे बिहाफ पर उसके हाथ में गुड्स हैं। अब ये स्टॉक किसका है? मेरा है। राइट किसका है? मेरा है। कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है। इसके रिस्क और रिवॉर्ड की जिम्मेदारी मेरी है। अब इस स्टॉक को मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करूंगा, हालांकि अभी मैंने गुड्स रिसीव नहीं किए। क्लियर? अगर ट्रांसपोर्टर सप्लायर का है और गुड्स मुल्तान में रस्ते में है, तो अब इस वक्त यह स्टॉक मेरा नहीं है, किसका है? तो आप सप्लायर अपने स्टॉक में इसे जमा करेगा। क्लियर? गुड्स कराची से चली मुल्तान पर रुकी हुई हैं, लीगल डॉक्यूमेंट मेरे नाम शिफ्ट हो चुका, लीगल डॉक्यूमेंट मेरे नाम शिफ्ट हो चुका, अब ये गुड्स किसकी हैं? मेरी। इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मेरे। किसके स्टॉक में शामिल होगी? मेरे स्टॉक में शामिल होगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आप पढ़े, गुड्स इन ट्रांजिट आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज इन्वेंट्री वेयर कंट्रोल रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर टू द बायर। अब यहां ब्रैकेट में लिख लो बेटा प्लीज, ट्रांसपोर्टर हायर्ड बाय, बोले बायर, और दूसरा मतलब क्या होगा? लीगल डॉक्यूमेंट्स, ओ भाई लीगल डॉक्यूमेंट्स इन द नेम ऑफ, बोले इन द नेम ऑफ बायर। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर काउंटिंग एन आइटम इन इन्वेंट्री इज इकोनॉमिक कंट्रोल रादर देन फिजिकल पोजेशन। इकोनॉमिक कंट्रोल किसके हाथ में है? जिसके हाथ में इकोनॉमिक कंट्रोल है, ओ भाई जिसके हाथ में इकोनॉमिक कंट्रोल है, स्टॉक भी उसी का है। जैसे ट्रांसपोर्टर मेरा है तो इकोनॉमिक कंट्रोल मेरा है, लीगल टाइटल मेरा है, इकोनॉमिक कंट्रोल मेरा है, हालांकि फिजिकल पोजेशन अभी मेरा नहीं है। समझ आ रही? पक्का? Therefore, when an entity purchases inventory, the item is included in the inventory even if the purchaser does not have physical possession of those items. मेरे ख्याल में अल्लाह ने समझवा दिया है आपको, ठीक? लो बच्चों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।